तो हम जिस प्रोजेक्ट को लेके अभी डिस्कस करेंगे ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। होता क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ जब सुनते हैं तो तर्क और वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क समझते हैं ना, तुरंत एक दूसरे चीज़ों से हम उसको कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे समाज में अगर एक बच्चा जन्म लिया तो तुरंत हम क्या बोलते हैं, इनका ना आँख माँ पे गया है, शकल पापा पे गया है, इसका माथा दादा पे गया, जबकि वो बच्चा इस पृथ्वी पर यूनिक है। अरबों खरबों लोग है, क्या एक आदमी का दूसरा अंगूठा मैच करता है? नहीं ना, नहीं। एक आदमी का दूसरा डीएनए मैच करता है? नहीं। तो वो बच्चा वो आदमी अपने आप में यूनिक होता है। तो ये प्रोजेक्ट भी अपने आप में यूनिक है। मैं करीब करीब एक डेढ़ घंटा बात करूंगा, अभी बीच में कोई उठ के जाने का नहीं है। आपका प्रोजेक्ट ओवर अगर अभी नहीं लग रहा है तो आप बैठवे मत कीजिए, क्योंकि बीच में क्या होता है कि एक माइंड में आप अधूरी चीजें लेके चले गए, है ना, और अधूरी जानकारी जानलेवा जानकारी होता है, वो ना तो आप समझ पाएंगे ना तो इनकेस आप भविष्य में किसी को समझा पाएंगे। अधूरी आधा पढ़ के आप छोड़ दीजिए, पास हो गए नहीं ना, पास होने के लिए फुल पढ़ाई जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है ये आके बता रहा है तो पता नहीं क्या है नहीं है। मैं तो इनसे, क्योंकि मैं जब आता हूँ, बेसिकली मैं बिहार से हूँ और आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 सालों से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। यूपी में मेरा हमेशा आना जाना रहता है। भारत के शायद 2-4 ही ऐसे राज्य होंगे जहाँ पर मैं ना जाऊँ और या मैं नहीं गया हूँ। बाकी करीब करीब मोर देन आज मैं 9 कंट्री घूम चुका हूँ, ना कि सिर्फ भारत ही, इंटरनेशनल ट्रिप ऑलरेडी मेरी 9 बार हो चुका है। अभी जो फोटो देख रहे थे ना, वो सन 2014 का था। 14 से हर साल कम से कम 2 बार मुझे फॉरेन कंट्री जाना होता है। अभी 2 तारीख को फिर मेरी फ्लाइट है मलेशिया के लिए। तो क्या है ये प्रोजेक्ट जिसको लेके हम बात करेंगे? आपका इसमें होगा, आप इसमें करेंगे, ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। मेरा एक उद्देश्य होता है कि हम आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दें। करीब मेरे साथ आज 65,000 लोग, भारत के अंदर की बात करता हूँ, 65,000 लोग आपके जैसे भाई बहन हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हजारों लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। वो चीज़ें कई सारे जगह पे जब हम प्रोग्राम किए हैं तो कुछ लाइव वीडियोज़ है, या हमारे नाम को आप यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जाके डालेंगे पंकज कुमार, तो आपको वहाँ पर मेरे ऐसे सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएगा कि मैं क्या था, मैं क्या हूँ, किस तरीके का प्रोग्राम होता है। तो ये मौका मिला है, हम लोग बीच में आज बात करते हैं। तो पहले क्या ये आप लिसनिंग मूड में बैठे हैं कि कुछ सीखना है? सीखना है, हाँ। क्योंकि होता है हम लोग एक इक्वल में, आपका ऐसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, थोड़ा रीडिंग कर लेता हूँ, क्या नाम बोले भी आप अपना? धर्मेंद्र जी। आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 है। आपका मोबाइल नंबर 9720889648964996 राइट। और पढ़ाई कहाँ बोले, 12th में है या 11th में है? 12वीं होने, 12th में है, बायोलॉजी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका 1999 डेट ऑफ बर्थ है, मेरा 1989 डेट ऑफ बर्थ है। तो आई थिंक कि आपसे 10 साल कम से कम हम बड़े हैं। यस और नो? आपका शुभ नाम? रिंकू जी। मोबाइल नंबर आप बताएंगे? मेरा 7060 7060 8425 8551। वेरी गुड। आपका डेट ऑफ बर्थ? 1998 है, यानी कि आप धर्मेंद्र भाई से 1 साल बड़े हैं। राजाराम। आपका मोबाइल नंबर राजाराम जी? 7060 39 16 45 राइट। डेट ऑफ बर्थ 1999। सब 18 साल के, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 18 से नीचे फिर दिक्कत हो जाएगा। आप पंकज जी, पूरा नाम? खाली पंकज जी। वेरी गुड। आपका डेट ऑफ बर्थ? 1996। मोबाइल नंबर?
7900 4557 चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। इससे क्या हो गया कि मुझे समझ में आ गया। अब जो हम बात करेंगे इसको आपको लिसन करना है। देखिए दो तरह, भगवान दो कान क्यों दिया, एक से भी तो सुन सकते हैं। दो इसलिए दिया कि जब भी कुछ अच्छाई हो तो दोनों कान से सुन लें और उसको अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में लोड कर लें, और कुछ बुराई हो तो इधर से सुने और इधर से निकाल दें। हम बात करेंगे आपका करियर को लेके, हम बात करेंगे आपका फ्यूचर को लेके, हम बात करेंगे आपका भविष्य को लेके। तो हर इंसान पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, किस लिए? पढ़ने का मेन मोटो क्या है? कुछ बनना है, यही तो है। तो वर्ग में, समाज में आज तीन वर्ग में लोग हैं। एक को हम हाई क्लास बोलते हैं, एक को मिड क्लास बोलते हैं, एक को लो क्लास बोलते हैं। ये तीन वर्ग में लोग हैं। अब जो हाई क्लास के बच्चे का परवरिश होता है और मिडिल क्लास के होते हैं और लो क्लास के होते हैं, अंतर है कि नहीं है तीनों में? क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इन तीनों का पढ़ाई में? जैसे हाई क्लास के जो बच्चे होते हैं, ये जब 2 साल के हो जाते हैं तो इसको कोई प्ले स्कूल में भर्ती कराते हैं, राइट? मैं ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर रहा, प्ले स्कूल में भर्ती किया, वहाँ पर फिर वो नर्सरी में गया, LKG, UKG, और फिर ये स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, इस तरीके से ये स्टैंडर्ड 10th पास करता है, राइट? ये हाई की बात हुआ। मिड क्लास के जो हैं ये 1, 2, 3 खूब ज़्यादा हो गया, और जो लो क्लास के हैं, आज भी गांव में शायद आंगनवाड़ी चलती है, यहाँ पे बच्चे गए और वो तब तक वहाँ टिकता है जब तक खाना नहीं मिला है, खाना मिल गया उसके बाद वापिस, यस और नो? तो जब ये तीनों कैटेगरी से बच्चे निकलेंगे, देखिए जब तक हम 10th पास नहीं किए हैं तो एक पाइपलाइन बना हुआ है, सबका रूट इक्वल है, 10वीं पास करना है। अब जब यहां से सब 10th पास कर गया, अब ऑप्शन आता है, अब किस दिशा में हम अपनी जिंदगी को लेके जाएंगे। सपोज डेट एक आदमी 10th पास किया, अब ऑप्शन इनके पास क्या क्या आया? साइंस लें, कॉमर्स लें, यही ना है, और आर्ट्स लें, ये तीन पार्ट्स है, ये तीन पार्ट। अच्छा, साइंस में भी फिर कंफ्यूज होता है, क्या करूं, मैथ लूं कि बायोलॉजी लूं? ध्यान से समझिएगा। अब जिस दिन एक लड़का 10th पास करके साइंस चुना और उसमें से वो मैथ रखता है, तो मैथ पढ़ के क्या फार्मर बनेगा? क्या बनेगा? मैथ पढ़ने का मतलब क्या होता है इसका? मैथ ये रखा किस लिए है? कोई गाइड? जैसे आप बायोलॉजी रखें इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर कुछ भी बन लो, डॉक्टर बन लो, बायोलॉजी पढ़े हैं मतलब डॉक्टर बनना है, राइट? तो ठीक है, आप 11वीं 12वीं कर लिए, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर का बन गए नहीं, अभी क्या करेंगे? बी फार्मा, डी फार्मा, अभी तो काफी समय पड़ा, यस और नो? अब देखिए सिर्फ ये नहीं, अब मान लेता हूं आप PMT करेंगे, प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT करेंगे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तब आप, या तो आज JEE करेंगे तब जाकर बनेंगे आप MBBS, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ सर्जरीज एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन। अब यहां तक ये पढ़ाई करने के लिए टाइम चाहिए, और उससे बड़ा चीज मनी चाहिए, यस और नो? ये पैसे चाहिए। मान लेता हूं कि आपको ये पीरियड में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आज कितना पैसा खर्चा होगा, अंदाजा कुछ लगा है? यही चीज है डिग्री, मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका फ्यूचर में आज का रात बदलाव है। अधिकांश स्टूडेंट को यह मालूम नहीं रहता है, और ना तो उनके पेरेंट उतने क्वालिफाइड होते हैं कि वो बच्चे को दिशा निर्देश दे कि तुम क्या पढ़ोगे और क्या बनोगे। जब हम यहां से निकल गए और हमको लगा कि अब PMT करने के लिए AIPMT JEE MBBS नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए 40 लाख चाहिए, और डॉक्टर प्राय आपको वही मिलेगा जिसके परिवार में, जिसके खानदान में कोई पहले से डॉक्टर है,
क्योंकि उस बच्चों को मालूम होता है वेसोफिल कैसे लगाना है, एनाफोटोन क्या करता है, कहां क्या काम करता है, उसको मालूम है। आपको मालूम है नहीं? तो आप इस जगह पर जाकर वो प्रैक्टिस आप नहीं ले सकते नहीं। तो जब आप यहां नहीं बन पाए ना, मान लेता हूं कि आप 11वीं 12वीं कर लिए और जब आप नहीं जा पाएंगे तो अल्टीमेट अब आप क्या करेंगे मालूम है, यहां से आप रिटर्न मारेंगे और आगे जैसे आपने बायोलॉजी लिया तो आगे आप इसी में ग्रेजुएशन भी नहीं करेंगे, आप बीए में जाके एडमिशन करेंगे। अब उतना आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो हम बीए करते हैं। और एक तो यहाँ से 80% लोग पहले बीए में आर्ट्स में सेटल हो जाता है क्योंकि वो नहीं, वो समझ लेता है कि इधर में जाएंगे तो पैसा लगेगा, रेगुलर ट्यूशन करना पड़ेगा। एक आदमी अगर मैथ पढ़ता है, मैं बता दे रहा हूँ, मैथ पढ़ता है, इसका मोटो होता है इंजीनियर, राइट? मोटो क्या है? इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर क्या C1, C2 यानी 11वीं 12वीं साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के इंजीनियर बन जाएगा? नहीं। इसके लिए भी पढ़ाई है। नॉर्मली आपको लड़का गांव का मिलेगा, बोलता हम ITI कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 80,000 कॉलेज भारत में बंद कर दिया ITI, और कितना करोड़ों लोग बेरोजगार है ITI करके, इसका हम गारंटी न तजुर्बा आपको नहीं बता सकते हैं। हाँ, कुछ लोग IIT करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या AIEEE करता है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। अब ये हाई लेवल का पढ़ाई चंदौसी मुरादाबाद में नहीं होगा, इसके लिए आपको किसी मेट्रो सिटी के अंदर जाना पड़ेगा और मिनिमम एक्सपेंस आएगा 10 लाख। जिस दिन ये लड़का साइंस में मैथ चुना था, क्या उनको अगला सीढ़ी मालूम था कि 10 लाख लगेगा? नहीं। क्या इनके पापा को मालूम था? जब ये मालूम नहीं था तो ये यहाँ से फिर बैक मारेगा, रिवर्स, कहाँ जाएगा? यहाँ तो ठीक वो 11वीं 12वीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर ये ग्रेजुएशन का BA में चलाएगा, ये ना कि सिर्फ साइंस का। अब मान लेता हूँ मैं जैसे कॉमर्स लेके पढ़ा, तो कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट है, या तो हम CA बनेंगे, या MBA के अंदर बैंकिंग करेंगे, या तो बिजनेस, बहुत सारा काम है, बिजनेस करेंगे। अब आज CA क्या सिर्फ कॉमर्स लेके पढ़ने के बाद CA बन जाते हैं? उसकी भी डिग्री, उससे पहले CS निकालनी होती है, CPT निकालनी होती है, तब फाइनल CA बनती है। और कोई भी CA आपको 30 साल से नीचे नहीं मिलेगा, उसकी एक लेंथी पढ़ाई है, CA और IS की पढ़ाई दुनिया का सबसे टफ है। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए भी तो पैसे खर्चे होंगे ना, अल्टीमेट जो ये MP आता है ना सर, मनी प्रॉब्लम, ये इंसान को कहाँ मिलती है? आर्ट्स की ओर। और आर्ट्स यानी कि आप सब जगह से निकाल के, एक तो जनरल बोगी में पहले भीड़ था और सब जगह से निकल निकल के कहाँ घुस गया? जनरल बोगी। अब अधिकांश स्टूडेंट का थॉट ये होता है कि हम जनरले कंपटीशन करके तैयारी करके नौकरी ले लेंगे, तो हमारे पास रास्ता होता है, SSC की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी, ये सब करते हैं। अब किसी भी फील्ड में सरकार 2000 अगर सीट लेके आती है, कितना? 2000, तो इसमें से 1000 गुना देश में इतना बेरोजगार लोग है कि 1000 गुना ज्यादा लोग पहुंच जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो 2000 गुना 1000 बराबर कितना लोग हो गया? 20 लाख। आपने नौकरी के लिए फॉर्म कितना गिर गया? 20 लाख। और सीट कितना है? 2000। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 गो सीट है, 5000 लोगों को बुला दें, तो 10 को मिलनी है, 10 को मिलनी है, बाकी तो रिटर्न जाएगा। अब नौकरी के लिए भी आज कुछ क्वालिटी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। पहले शिक्षा मित्र वाले को मिलता था 30,000, अब उसको कर दिया 10,000, सही है? है कि नहीं? आपको मालूम होगा जब बैंक में कंप्यूटर आया ना, तो अच्छे अच्छे बैंक को छुट्टी कर दिया, अच्छे अच्छे बैंक मैनेजर को बोला जाओ, या तो सीख के आओ या घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब नौकरी के लिए आज के दिन में सबसे पहला IT एजुकेशन इज मस्ट। पहले केस करने के लिए आपको जाना पड़ता था थाना, कोर्ट, यस और नो, अब कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल में E-कोर्ट, M-कोर्ट एप्स डाउनलोड कीजिए, वहीं पर दर्ज, कौन धारा करना चाहते हैं कीजिए। पहले गवाही के लिए एविडेंस को बुला के कोर्ट लाना पड़ता था, अब जरूरत नहीं है, एविडेंस जेल में रहेगा, वहां पर एक नेटवर्क इंजीनियर बैठा है जो एविडेंस को सामने हाजिर कर दिया, क्योंकि उसको नहीं तो रास्ते में टिपका देगा लोग, समझिएगा बात को। तो IT एजुकेशन, हाँ, आपको रेलवे में अगर पटरी ठोकना है ना, तब नहीं चाहिए,
तब जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्वालिटी वाला जॉब करना चाहते हैं तो इज अ मस्ट। दूसरा चीज, उस लड़के के पास 80-85% डिफेंस करने के लिए मार्क्स भी चाहिए। तीसरा चीज, उस लड़के का पास सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है व्यक्तित्व, पर्सनल टैलेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि अब आपका किताबी नॉलेज जॉब में सिर्फ 20% मायने करता है और 20% आईटी, 60% माइलेज करता है आपका पर्सनल टैलेंट, जो किसी स्कूल में तो नहीं सिखाया गया। समझ रहे हैं? चार नंबर चीज, उस लड़के का अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या बोलते हैं उसको? लगाव। अगर आपका कोई पहुंच है ना, तो आपका फॉर्म हाथी हाथ पहुंच गया, पहुंच नहीं तो बोरिया में ठुसा के पैक रह गया, कट्टे बोलते ना, पैक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, दुनिया जानती है ना बड़ा बाबू ना बड़ा भैया, मेडिकल में निकालता है ना कुछ प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त हड्डे कट्टे सब चीज में डिफेंस, सब चीज में पास हो गया, लास्ट में मेडिकल में क्या बोलता है, तुम्हारे पीठ का रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है, कब गिरा था? बोला सर कभी तो नहीं गिरा हूँ। बोला नहीं नहीं, तुम्हारा हड्डी टेढ़ा है, नहीं हो सकता। बोला उपाय क्या है? बोला 5 लाख, तो उपाय ही उपाय है। वो लास्ट में दीजिए मनी, उसकी लाइफ में मनी। अब ये पांचों चीज, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, job.com पे जाइए सर्च मारिए, ये पांचों चीज जिनके पास है ना सर, उनके लिए थोड़ा आसान है। आपके पास है? हमारे पास किसी के पास नहीं है। और ये हमारे आपके पास नहीं, चिंता की बात नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन आती है इंडिया में, सर्वे के मुताबिक 80% ऐसे ही लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, ये 80% तो ऐसे ही निकल गया ना, यानी 16 लाख लोग तो ऐसे ही निकल गया। पास आउट कितने हुए? 4 लाख। सीट कितनी है? 2000 लोग बैठेंगे। इसके बावजूद भी 3,98,000 लोग रहते हुए भी फेल। मैं आपको ऐसे उदाहरण यही यूपी में दूंगा, अभी भी सोनी साइड का है, कि उसके पिताजी ने ऐसा सब चीज के लिए पैसा भी दे दिया नौकरी के लिए, अल्टीमेट पैसा भी गायब, नौकरी भी नहीं मिला। वो तो ऐसा, आप बताइए सर, एक आदमी इस पोजीशन तक आते आते कम से कम, जैसे अभी आपका उम्र 96 से है ना, कितना उम्र हो गया आपका? 4 और 19 23 साल है कि नहीं है? मान लेता हूं आप 25 साल तक तैयारी करते हैं किसी चीज को लेने के लिए। आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या लॉटरी के लिए तैयारी कर रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या आप गारंटी देंगे कि ये 2000 में आप ही? मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं है इसमें, लेकिन कितना परसेंट चांसेस है? 0.067%। मैं आपको न्यूज कटिंग सही दिखाऊंगा, आज ये हाल है इंडिया में। अच्छा, एक आदमी को अब ये 3,98,000 लोगों को क्या करेंगे? 0.1, 0.2 के लिए भी छांटेगा? क्या बोल सोचेंगे? ये अगला साल तैयारी कर लेंगे, अगला साल नौकरी आएगी, इसकी कोई गारंटी है नहीं। लेकिन अगला साल मैट्रिक पास होगा, इंटर पास होगा, ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, हर तैयारी होगा, इसकी गारंटी है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तरफ भीड़ बढ़ता चला जा रहा है और सीट है ही नहीं है। हर स्टेशन में लोग चढ़े जा रहा है, सीट है ही नहीं है। तो ये हम लॉटरी खेल रहे हैं सर नौकरी के, सही है कि नहीं है? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज देखा कि जरूरत किस चीज का है। जिस चीज की डिमांड है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। डिमांड आज CNBC न्यूज चैनल बता रही है, हजारों हजार सीट्स खाली है, किसके अंदर? आईटी सेक्टर के अंदर। लेकिन लड़के पढ़ाई क्या कर रहा है? BA BSc BCOM MA MSc MCOM, जनरल एंड प्लेन सिंपल। लेकिन आज सिर्फ प्लेन सिंपल होने से नहीं चलेगा, जमाना मॉडर्न की ओर जा चुकी है। अगर आप अपने एजुकेशन के अंदर मॉडर्न नहीं लाते हैं तो आप बैकडेटेड न्यूज हैं, बैकडेटेड न्यूज। जैसे अभी आप मैट्रिक पास किए हैं तो आपको लग रहा है अरे यहाँ मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट है। जब आप कोई काम नहीं करेंगे ना तो वो बैकडेटेड न्यूज पेपर ही मिलेगा। जैसे आज का पेपर पढ़ें तो 5 रुपये पीस, और यही चीज़ आज से 5 दिन पीछे का पढ़ें तो 5 रुपये किलो, तो वो बाद में किलो के भाव में आपका न्यूज पेपर बन जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से 20 साल पहले एक चीज देखा गया कि जवाना धीरे धीरे रोबोटेड आ गया। आज नौकरी, एक तो नौकरी लेने के लिए मार है और दूसरा कब निकल देगी नौकरी से, ये भी आपको डर है क्योंकि जवाना रोबोटेड आ गया।
आज ड्राइवर चाहिए गाड़ी, कोई जरूरी है आदमी ये गाड़ी चलाएगा। मैं अभी गया था हांगकांग रिसेप्शन में, जब हम लोग चेक इन कर रहा था होटल में गया तो एक मूर्ति, हम लोग इसको मूर्ति है, रोबोट है, मेरे को लगा दिया 34 तल्ला पे मुझे रूम दिया। मैं बोला पागल समझा है, वो इंग्लिश में बात करना पड़ता, बोले पागल समझा है यार, 34 तल्ला चढ़ते चढ़ते मेरी हालत खराब हो जाएगी। बोला नो सर इंग्लिश कम गया, फटाक से गया लिफ्ट में, क्या टिपा साला 34 सेकंड भी नहीं लगा 34 तल्ला पहुंच गया। वो मुझे रूम खोल के सब चीज रोबोट कर रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ एक आदमी रखेंगे कम से कम तो 10,000 लेगा, और 24 घंटे का 3 ड्यूटी हो गया 30,000 रुपए, एक रोबोट रख दिया काहे को 30,000 रुपए। समझ में आ रहा है? तो समय के साथ अगर हम चेंज नहीं होते हैं, तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई करके अच्छा फ्यूचर बनाएंगे तो आपको हाई लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, और अगर यदि आप नहीं करते हैं तो आज जैसे मैंने आपको 3 वर्ग में लोगों को बांटा ना, आज से 4 साल बाद आपको सिर्फ 2 वर्ग में लोग मिलेंगे, या तो हाई या तो लो, मिडिल गायब, ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ लोग डेवलप करके हाई में चले जाएंगे, और कुछ लोग डेवलप नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा लो में। अब आज ही ये डिसाइड करना जरूरी है कि हम हाई में जाएं या लो में जाएं। नहीं कुछ कर पाया तो लास्ट में संभालते हैं क्या पगड़ी, बाबूजी का जमीन है खेती करेंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे। यही यूपी मुरादाबाद चंदौसी के अंदर मैं देखा हूँ, क्वालिटी वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का 8,000 में बाबूजी 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 दूसरों को करता रहता है। क्यों? क्योंकि आप जरूरतमंद एजुकेशन नहीं लिए हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने एक उद्देश्य लेकर आया कि जो लोग देश के अंदर आज आईटी लिटरेट नहीं है उन्हें लिटरेट करना है। तो 4 सेक्टर को लेकर काम कर रही है, पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, क्योंकि आज हेल्थ कितना जरूरी हो गया है ये भी समझना पड़ेगा, तीसरा चीज एग्रीकल्चर। जैसे मैं आते ही बात किया कि आज हम लोग खेती गृहस्थी हम लोग भी करते थे, तो जितना पैसा लगाते हैं ना खेती में, यहाँ का तो नहीं पता मुझे, अल्टीमेट अगर आप अपना मेहनत, बीज, पटवन, जोताई कोड़ाई सब जोड़ेंगे और बाद में, तो उससे अच्छा लगेगा कि कहीं कमा लेते। हाँ वो है कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगता है, और एक बार घर में अनाज हो जाता है तो लगता है नहीं नहीं कुछ हुआ है, इकट्ठा खाने के लिए होता है। नहीं तो अगर आप रोज का मजदूरी जोड़े ना तो वो भी सही से नहीं पुरता है। अगर हम उसमें ऑर्गेनिक फसल, कुछ ऑर्गेनिक फल यूज करते हैं तो हमारा कम लागत में ज़्यादा पैदावार होगा। बहुत दुख होता है, हम लोग जय जवान जय किसान पढ़ाई कि ये जवान गोली खा के देश की सुरक्षा मरता है, हम पेपर न्यूज पे देखते हैं एक किसान जब फांसी लगा के मरता है कहाँ तक देखते हैं, आज ये हाल हो रही है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको लेके फोकस किया और हर एक आदमी को इनकम को बढ़ावा दिया। ये 4 सेक्टर में लेके काम कर रही है ताकि हम अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या सिर्फ स्टूडेंट को लेके आगे होगा, हमें 16 साल से लेके 60 साल तक को ध्यान में रखना पड़ेगा और सबको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जा करके हम विकसित देश में जा सकेंगे। नहीं तो मेरा 72-73 साल हो गया आज भी हम विकासशील में ही लगे हुए हैं। यस और नो? हमारे देश के बाद भी तो बहुत सारे देश आजाद हुआ, कैसे विकसित हो गया, हम अभी भी विकासशील में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन पद्धति जो है वो बहुत हाईटेक जमाने में और एक्सेप्ट करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। इसी को ध्यान में रख के हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक तैयार किया, ये फाइल लेकर आए, अगर है न्यू वाला फाइल तो दे दो, मैं दिखा देता, मैं शॉर्ट में टान देता हूँ। 4 चीज़ों को लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट पीपल लीडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी अक्रॉस जनरेशन। जैसे पहले के ज़माने का एजुकेशन और आज डिफरेंट हो रहा है, आपको भी मालूम है। पहले हम लोग, आज आप लोग कंप्यूटर सीखे हैं, अभी तक नहीं सीखे हैं, लेकिन आप वही चले जाइए कल्चरल स्कूल में, 3 साल के बच्चों को सिखा रहा है, उसको पूछिए, सिखा रहे हैं ना, पहले नहीं था, उसको पूछिए हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर, पूरा लिटरेचर वो दे देंगे। और आप नॉर्मल BA BSc BCom वाले को पूछिए ये क्या होता है, कंप्यूटर का भी कोई माए बाप होता है क्या? अरे है सर। तो 4 चीज़ों को लेके, पहला आईटी एजुकेशन वैल्यू, जब एक इंसान जन्म लेता है तो हम उसका पहला स्टार्टअप करते हैं वहीं से, जब वो चलना शुरू कर देता है तो हम उसका एजुकेशन जोड़ते हैं, अच्छे कल्चर में डालते हैं, एजुकेशन वैल्यू, स्किल वैल्यू एंड हेल्थ वैल्यू, फिनेंशियल वैल्यू और सोशल वैल्यू, कि आज आज़ादी हो पैसे से भी और समाज से भी, समाज में भी एक इज्जत हो। तो ये 5 चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं,
अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये इंडिया की नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोटिंग आईटी एजुकेशन प्रोडक्ट, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में, डायरेक्ट एजुकेशन प्रमोट करने में। एपीएलएल एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड जो हमें एजुकेशन प्रमोट करती है, ये फुल फॉर्म हुआ स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। अब एक होता है PVTLTD और एक होता है LTD, दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप पंकज जी? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन PVTLTD एंड LTD? PVTLTD इज ए प्राइवेट लिमिटेड, LTD इज ए ओनली लिमिटेड अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टेड, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ये व्यक्तिगत कारोबार हुआ, ये सरकार के कानून का कारोबार हुआ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करूं तो ये ISO 9001 से सेटिस्फाइड है एंड पिछले 19 सालों से पूरे देश में चल रही है। थोड़ी पुरानी PPT है, आज 20 साल हो गया, 35 से ज़्यादा हमारा रीजनल ऑफिस है, 200 से प्लस हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को लेके काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में एंड नंबर वन इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वॉल्यूम, विद्यार्थियों के हिसाब से भारत की। कोई भी चीज़ सिर्फ कहने से नंबर वन नहीं हो जाता है। आप बोलेंगे ना हम तो प्रधानमंत्री है, तो डालिए गूगल पे, दिखाता है आपका नाम तो देखिए, आता है आपका फोटो तो देखिए, यस और नो? तो यहाँ से ये 1700 से ज़्यादा हमारा डेडिकेटेड स्टडी सेंटर्स है अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत के अंदर में 200 से ज़्यादा डेडिकेटेड सेंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए पूरे इंडिया मिला के 1700 है, तो उसमें से 200 सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारा सेंटर है जहाँ पे पढ़ाई होती है। ऐसे हमारे साथ बहुत बड़े बड़े पार्टनर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट नाम सुने, इंटेल, कॉम्पटिया, एम गुरुजी, ये सब कोलाबरेटेड पार्टनर है। और यहाँ से एक आदमी हमारे साथ लव केयर फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, एक NGO है सरकार की, जैसे कोई अनाथ बच्चा है जिनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो वो जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको यहाँ अगर डाल देते हैं तो उसको जब तक वो लायक नहीं हो जाता है उनका पढ़ाई लिखाई सारा लव केयर फाउंडेशन करेगी, कोई पैसा कौड़ी देने का जरूरत नहीं है, ये सुविधा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ करियर, ऑलरेडी मैं आपको ये बात रख चुका हूँ कि करियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द करियर, हम करियर का मतलब क्या समझते हैं। इधर आ जाओ भैया, ठीक है, हम करियर का मतलब क्या समझते हैं, नेम, आपका एक अच्छा नाम हो, एक फेम हो, एक प्रोफेशनल वर्क आप कर रहे हैं, साथ साथ में टाइम फ्रीडम, ऐसा नहीं कि मशीन के तरह जिंदगी एकदम नौकरी में बज गया हो, सुबह 8 से 7, 8 से 7, एक समय की आज़ादी, मनी फ्रीडम, एक हेल्दी हेल्थ, एक हर आदमी चाहता है यार, 4 सपने तो सबकी होती है कम से कम, जैसे आप, आपका अपना घर हो, दूसरा अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनका भविष्य अच्छा बने, बच्ची है मतलब लड़की है तो आप उनका शादी अच्छे घरों में कर दें, और अगर आप साइकिल से चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो कार, जो लोग कार से चल रहा है तो वो हाहाकार कार से सोचता है, और जो लोग उससे भी चलता है तो हवाई जहाज के बारे में सोचता है। 4 सपने सबके होते हैं, यानी कि एक अच्छा घर हो, कार हो, फैमिली, एक अच्छा परिवार हो, ये सब चीज़, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, टूर, फैमिली सिक्योरिटी मिले, ये सब चीज़ जिसके लाइफ में है हम बोल सकते हैं कि एक बेहतर करियर जी रहा है, राइट, यानी कि एक जिंदगी जी रहा है। अब ऐसा करियर जो मैं आपको दिखाया ग्राफ, देखिए करियर में ट्रेडिशनल एजुकेशन आप इस कलर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना मांग है, हम आप जो पढ़ाई किए हैं उसका कितना परसेंट है, IT सेक्टर का, बट स्किल यानी टैलेंट का कितना है, 60%, ये टैलेंट जरूरी है। आज जो मैं आपको दिखाया ये देखिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप देख लीजिए, बेरोजगारों से भर्ती के फीस के नाम पर रेलवे बोर्ड ने वसूले 9 अरब रुपए, सही है जो मैंने दिखाया, अगर 500 रुपए करके फॉर्म देते हैं 20 लाख लोग आवेदन भरता है तो पैसे कहाँ गया सरकार। हाँ ऐसे बहुत सारा चीज है, 120 पदों के लिए थी परीक्षा, है ना, ऐसे बहुत सारा देखिए, रेलवे का 35,000 पदों के लिए 1.5 करोड़ आवेदन, मैं कितना दिखाया, हजारे गुना ज़्यादा, यहाँ कितना पहुँच गया, यानी कि एक ठो जॉब है सर एक बूंद, और देश के अंदर 1 करोड़ ग्रेजुएट हाँ करके आए मुझे नौकरी दे दीजिए, तो ये करियर लॉटरी के ही समान हुआ ना,
किसी की प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी। तो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम, नेस्कॉम का नाम सुने, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर कंपनी, जो यूएसए के अंदर आईटी रिसर्च करती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, अपॉर्चुनिटी इन आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस जो मैंने कोर्स किया है, आज ऐसे हजारों हजार लाखों लाख नौकरियां खाली है वेबसाइट साइड में, लेकिन उसके लिए लोग तैयार नहीं है। आपको मालूम होगा आज के दिन में आपको कोई भी चीज़ खरीदना हो या बेचना हो, कोई जरूरी है कि मार्केट जाना पड़ेगा? कहाँ से खरीद सकते हैं? मोबाइल से बेच भी सकते हैं, वो लक्स डाउनलोड कीजिए, आपका घर से आके लेके जाएगा और मुनासिब दाम देगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ऐसे आईटी सेक्टर के अंदर में, तो करियर कोर्स जॉब एंड बिजनेस ओरिएंटेड, या तो वो नौकरी भी कर सकता है, अगर नौकरी नहीं हुआ तो बिजनेस कर सकता है, ऐसे ओरिएंटेड कोर्स एक डिजाइन किया स्मार्ट कॉमर्स, आईटी स्मार्ट प्लस, स्मार्ट नेटिजन, स्मार्ट टीजन और आईटी स्मार्ट प्रो, ये कोर्स है। जिस कोर्स को लेकर एक स्टूडेंट आएगा और करने के बाद क्या क्या होगा, तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे स्मार्ट कॉमर्स है क्या पढ़ाया जाएगा, वो पढ़कर क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर का फंडामेंटल बेसिक धरातल क्या है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस ऑफिस 4 जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस, ये आपको पढ़ाया जाता है। एक्सेस क्या होता है, स्टोरेज, जैसे वर्ड है तो पूरा हम लेटर ये करते हैं, एक्सेल में हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, पावर पॉइंट में जैसे ये जो हम चला रहे हैं ये किस पे हो रही है, पावर पॉइंट पे। एक्सेस क्या होता है, जैसे आप कल कस्टमर केयर से बात किए, आज वो आपको बता देगा कल क्या क्या बात किए हैं, कल किस लिए आप कंप्लेंट किए थे, सब वो एक्सेस आज से 50 साल बाद का भी डेटा निकाल के आपको दे देगा, वो एक्सेस में स्टोरेज रहता है। इसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल बहुत जरूरी है, आज लोग जानता है इंटरनेट के बारे में क्या, या तो फेसबुक या तो व्हाट्सएप, इसके अलावा उसको कोई साइड ब्राउजिंग करने नहीं आता है, एगो फॉर्म भी भराना है फिर दौड़े जाएगा दिल अपना जगह पर। तो यहाँ से वो बिजनेस अकाउंटिंग, आज जब से आपको मालूम है जीएसटी नाम सुने हैं जी, अब जीएसटी कोई जरूरी है सबका फाइल सीए करता है, सीए के पास हम आपके जैसे बहुत सारे लोग फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर मतलब तैयारी करने वाले, और उनको बोलता है जाओ तुम्हारे लिए वो 5 गो दुकान है उनका 5 गो फाइल मेंटेन करके आओ, और वो सीए उन दुकान से एक पे 1000 रुपये 1500 रुपये कलेक्ट करता है महीने का। मान लेता हूँ कि आपने अकाउंटिंग पढ़ाई किया, टैली किया और जीएसटी की पढ़ाई किया, आप ज़्यादा नहीं 50 गो ऐसे कस्टमर तैयार कर लिए दुकान, 1000-1000 का ही 50 गो लोग हो गया, तो आपका महीने का कितना हो गया, माइंड लगाना पड़ेगा। तब बेरोजगार बैठेंगे तो कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए नॉलेज चाहिए, है ना। तो बिजनेस अकाउंटिंग टैली विथ ईआरपी, टैली आप लोग नाम सुने होंगे, विथ ईआरपी नॉर्मल जगह नहीं कराएगा, टैली मीन्स तो चलिए वो कर लिया अपना डेटा पढ़ाई किया, विथ ईआरपी मतलब उसको इंटरेस्ट प्राइस से जोड़ना, आप पैसा जमा करते हैं दिल्ली में तुरंत सो हो जाता है चंदौसी में, कैसे ईआरपी से लिंकेड है। इसके बाद आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड और इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस, आपको ई कॉमर्स एम कॉमर्स डिमोनिटाइजेशन जीएसटी का कैसे फिलअप करना है, एंड डिफरेंट टाइप डिजिटल एप्लीकेशन, आज आपके पास मोबाइल में लाखों एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप फ्री में घंटों का काम सेकेंडों में कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज रहेगा तब तो। तो ऐसे वो डिफरेंट टाइप डिजिटल एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा और लास्ट में एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट देखेगा ना भाई जी, आपके अंदर परफेक्शन क्या है जी। तो इतने सारे कंटेंट, ये कोर्स कंटेंट जो एक 12th+ से पढ़ाया जाएगा, ये कोर्स वही कर पाएंगे जो कम से कम 12वीं में एडमिट है, 11वीं में एडमिट है, इससे नीचे के लिए ये कोर्स नहीं है, नहीं तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। खास करके जो कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं या साइंस साइड से हैं, कोई भी साइड से आप हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अब बात आ रही है सिर्फ कोर्स नहीं, मैंने क्या बताया कोर्स तो 20% मैंने करता है, विथ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, जिसमें आपको यहाँ सर मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव माइंडसेट, आज मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई करता है पता नहीं हम तो फेल कर जाएंगे, उसका माइंडसेट नहीं है, अल्टीमेट करना क्या है, उसको फेल ही करना है। तो इन सभी चीज़ों को एटीट्यूड, सेल्फ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, है ना, इंटरव्यू स्किल, आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कैसे फेस करेंगे, आप लोग कभी गए इंटरव्यू में, नहीं गए? मैं जब पहली बार गया था आईटी सेक्टर का इंटरव्यू था तो मुझे एक कमरे में बुलाया,
जो इंटरव्यूअर होता है वो बुलाया, 2 मिनट तक बैठे, बोले ठीक है बाहर से आइए, 2 मिनट बाद फिर आया तो सवाल आता है, बताइए तो 2 मिनट के अंदर इस कमरे में क्या परिवर्तन हुआ। मैं देख रहा था चारों ओर कोई परिवर्तन तो दिख नहीं रहा, साला फैन तब भी चल रहा था आज भी चल रहा है, एसी तब भी चल रहा था अभी भी चल रहा है, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। बोले नथिंग सर, नो प्रॉब्लम। बोला परिवर्तन हुआ? बोले तो लास्ट में क्या हुआ सर? बोला जब आप पहली बार आए थे ना 12 बज रहा था, अभी 12:05 हो रहा है। सब अब ये छोटी आपको वहाँ बाबा अकबर हुमायूं ये वो नहीं पूछा जाता है, आपकी कॉमन सेंस पूछा जाता है आपकी। एक लड़के को बोला अब व्हाट्स योर नेम, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स योर नेम आप क्या बताएंगे, आपका नाम क्या है? राजा राम। राजा राम आप सिंपल ऐसे ही बोलेंगे, माय नेम इज राजा राम, ये ना बोलेंगे, वहां पर आपको फेल कर देगा। अरे सर आपका इंटरव्यू लेने वाला कोई छोटा हो या बड़ा हो डजंट मैटर, डजंट मैटर, लेकिन आपसे अगर एक्स्ट्रा है ना तो आप सिर्फ वहां ये लगाते हो सर माय सेल्फ राजा राम, यू आर सेलेक्टेड, अदरवाइज यू आर अनसेलेक्टेड। ये एक छोटा छोटा चीज मैंने करता है, हमने क्या बताया 60% मैंने करता है ये बिहेवियर आपका, और ये जो एक अच्छे एसोसिएशन से ये अच्छे संस्कार क्रिएट होते हैं। तो यहाँ से ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है। अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो हमारा 144 घंटे का कोर्स है जो लैब और क्लास दोनों दी जाती है आपकी, प्रैक्टिकल और थ्योरी। फैसिलिटी 1:2 लैब पे पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास आपको स्टडी मटेरियल, किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यहीं से प्रोवाइड होगी। 5 पीस बुक कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, 2 पीस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बुक रहेगी, 1 पीस बुक रहेगी आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश को लेकर, 1 रहेगी बिजनेस कम्युनिकेशन GST से रिलेटेड बिजनेस कम्युनिकेशन, और 1 पीस बैग भी आपको दिया जाता है APLL से, साथ में 2 स्टडी DVDs मिलेगा। ये खास तौर पे इसलिए क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो प्रतिबिंब हमारे पास चलती रहती है सबकॉन्शियस मेमोरी। मैं कितना कुछ आपसे बात किया, आई थिंक कि आप बहुत कुछ भूल चुके होंगे, बहुत कुछ, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये चेहरा आज से 5 साल बाद भी कहीं देखेंगे, अरे ये पंकज जी है, क्यों? ये प्रतिबिंब आपका लोड हुआ है। तो ये DVD इसलिए दिया कि आप जो पढ़ेंगे, किताब हमारा 3 लैंग्वेज में है, 3 लैंग्वेज, जैसे मान लेता हूँ कि हम लिखे DEAR, क्या हुआ? जी पढ़ा लेता नहीं पढ़े, मान लेता हूँ क्या हुआ डियर, अब ये पढ़ा लिखा नहीं है हिंदी जानता है तो इसके नीचे रहेगा डियर, तो पढ़ सकते हैं ना। अब इसका मतलब क्या होता है, बियर मतलब भालू सुना था, इसका मतलब क्या होता है? तो भैया प्रिय, ये एकदम बढ़िया से दिया हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि ये किताब इंग्लिश में भी रहेगा लेकिन ये DVD हिंदी में रहेगा। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक टीचर एक स्टूडेंट को बता रहा है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उधर से जवाब देता है चार्ल्स बेबेज, हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर अगस्टीन, तो ये क्लियर कट आपको DVD में, और 24 घंटा आपके लिए है ना सर, आप कभी भी माइंड से आउट हुआ तुरंत लगाइए देख लीजिए और वो आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं आज से 11 साल पहले कंप्यूटर सीखा था, आज भी मैं कंप्यूटर में हर काम बहुत फास्ट करता हूँ, कैसे? एक तो कंटिन्यूअस है और दूसरा कहीं मिसिंग होता है CD ला डाला ठक 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 रीबैक, ये चीज़ है। इसके बाद 6 मंथ का आपका रेगुलर क्लासेस रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एटीट्यूड डेवलपमेंट ये सब क्लासेस आपको 1 ईयर तक चलता रहेगा, 1,00,000 रुपये का आपको एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात आ रही है कि ये कोर्स करने के लिए कहीं भी जाएंगे सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल ट्रेनिंग लाइफ टाइम तक आपको मिलती रहेगी, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं किया जाता है। यहाँ से नेशनल एंड वेलेबल ऐसे सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है जो UKAA अफिलेटेड है, ये सारे चीज़ है ना, बहुत सारा चीज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स जैसे मैं आज ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये देखिए जैसे ये पंकज कुमार है ना, देखिए मैं ही मेरा ही सर्टिफिकेट स्कैन किया हुआ है, ये UKAA अप्लाइटेड है यूनाइटेड किंगडम अवार्डिंग, इस तरीके से किताब CD कैसेट बैग ये सब आपको मिलेगा। अगर मैं कोर्स अपॉर्चुनिटी की बात करूँ करियर अपॉर्चुनिटी का, तो ये पढ़ के जैसे स्मार्ट कॉमर्स हमारे पास है ये पढ़ के ये काम कर सकता है, स्मार्ट कॉमर्स अकाउंटेंट MIS एग्जीक्यूटिव पैरलरी एग्जीक्यूटिव ऑडिट एसोसिएट ई कॉमर्स एसोसिएट डिजिटल मार्केटिंग, नाम सुने डिजिटल मार्केटिंग का, बैंकिंग और एक्सेट्रा, ये सारा काम कर सकता है। ये अलग अलग कोर्स है, मैं एक कोर्स के बारे में बात किया क्योंकि सब कोर्स के बारे में बात करके कोई फायदा भी है नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं
ये सारे चीज अदर जगह पे अगर मैं इतना कुछ पढ़ने के लिए जाता हूँ आज के दिन में, मैं आपको नॉर्मल चार्ज बता रहा हूँ, ये फीस है कम से कम कहीं 30,000 लेगा और कहीं 40,000, ये एकदम नॉर्मल बताया जितना कुछ मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, इतना इतना चार्ज देकर सब पढ़ पाएगा आज के समय में? संभव नहीं है। तो वो कोर्स के लिए हमारे यहाँ पर क्या फ्री में हो जाएगा? फ्री में कहीं कुछ होता है? नहीं, नहीं होता। हेलो सर, ट्रेन तो फ्री चलता है भैया, जिस दिन धराते हैं तो सर जोड़ के नहीं लेता है। तो यहाँ पे वो नियम ही नहीं है। आपको यहाँ पर ये कोर्स के लिए जो फीस है, जहाँ पर आपको 40,000-50,000, ये नॉर्मल जगह का मैं लिखा हूँ। आप मेट्रो सिटी में, ये लखनऊ में चले जाइए नीट में, 170,000 कोर्स फी प्लस GST अलग से है। सेम कोर्स जो मैं बताया हूँ, सिर्फ क्या है वहाँ ज़्यादा क्यों लगता है? इंस्टीट्यूट में एक लड़की बैठी है, वो बताने के लिए, कन्विंस करने के लिए, TV पे ऐड करने के लिए विश्वनाथ आनंद को पैसा दिया, वो फ्री में थोड़ी बोलता है, वो पैसे लेते हैं। और सब जोड़ कर किस पे पड़ता है? स्टूडेंट। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसी चीज़ को APLL क्या किया, स्मार्ट कॉमर्स, ये पुराना प्राइस है, 26 तारीख से बढ़ गया है। ये जैसे अभी 16,999 है, ये आपका 17,999 हो गया है टोटल। इसके बाद आपको एक रुपया इस कोर्स में देने का जरूरत नहीं है। 120 रुपये ऑनलाइन का लगता है बस, इसके आगे कोई नहीं। कोर्स फी है टोटल 17,499 रुपये। कितना? 17,499। इसमें 500 जो आपका पैकेज है, जैसे मैं इकट्ठा आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो पैकेज आपका आएगा, जैसे ये पैसे कहाँ देंगे भैया, पैसे आपको इस तरीके से DD बना के देना होगा। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते हैं तो कैश नहीं लेता है, DD लेता है, चेक भी नहीं, DD, क्योंकि चेक का क्या गारंटी, आप चेक काट के दे दिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बाउंस हो जाएगा ना, DD ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आप किसी भी एक RBI रजिस्टर्ड बैंक से DD बनाकर आप जमा करेंगे, तो ये सारे पैकेजेस आपको हैंड टू हैंड, हमारा हल्द्वानी में ब्रांच है, मेरठ में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, तो कोई जो लाने के लिए जाएगा आएगा उसका ये खर्च है। और 120 रुपये जब हम आपको फॉर्म भरवाएंगे, वो ऑनलाइन करेंगे, तब आपको एक मैसेज जाएगा कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो पैसा लगेगा, नहीं तो वो पैसा रिटर्न। समझ में आ गया? पूरा पारदर्शी था। तो इस तरीके से ये DD बना के लगता है। जब आप DD जमा, यहाँ कम क्यों लगता है, क्योंकि मैं पहले ही बताया मार्केट में क्या है, कोई भी वस्तु बनाया उसका एडवर्टाइजमेंट करता है जी, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, रिटेलर है, तब कस्टमर यानी स्टूडेंट। ये बीच में 1, 2, 3, 4, 5 को बिचौलिया दलाल अलग से जो पैसे खा जाता है, और 10 रुपये का चीज 100 रुपये में लेना पड़ता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, बनाया, आप तक पहुंच गया, इस बीच का सब का गोलमाल कर दिया। इसीलिए आपको कम पैसे में वो टोटल एजुकेशन एजुकेशन के बारे में कोई अगर सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फाइल नया वाला है कहीं क्या लेके नहीं आया? चलो ठीक है, जितना कोर्स मैंने बताया, अगर कोई आगे चाहता है मुझे BSc IT करना है, सपोज दैट, या BCA करना है, या BBA करना है, MSc IT करना है, MCA करना है, या MBA करना है, तो आप ये एलिजिबल हैं। बट ये चंदौसी में नहीं होगा, इसके लिए आपको दिल्ली, कलकत्ता, राजधानी, बड़े बड़े जगह पे जाना पड़ेगा। समझ पा रहे? यहाँ से सारे कोर्स कराया जाता है। इसके लिए करीब करीब 5-7 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे APLL के साथ है। ठीक है, कोर्स को लेके समझ में आया? कोर्स करने के लिए कितना पैसा लगेगा टोटल? 17,999। इसी में आपको टोटल प्रोडक्ट भी मिलेगा, मतलब जितना पढ़ाई के लिए बुक्स मटेरियल चाहिए, एक रसीद मिलेगा, वो रसीद आप भारत के 1700 सेंटर में से जिस सेंटर में जमा करेंगे वहीं पर आपकी पढ़ाई चलेगी। यह हुआ एजुकेशन का समय है। मैं थोड़ा सा हेल्थ पे भी बात कर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत? एजुकेशन समझ में आ गया? आइए, हेल्थ, एक हेल्दी हेल्थ मिशन हर इंसान का जरूर कहता है। आप कितनों अमीर हैं, अगर आपके घर में बीमारी घुस गया ना, आपको गरीब होने में टाइम नहीं लगेगा। और आप कितना भी गरीब हैं, अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो आप अमीर जरूर हो सकते हैं।
और आप स्वस्थ हैं मतलब अमीर हैं, क्योंकि शरीर ही धन है बोलते तो है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आज कल्चरल्स में चेंज हो गई है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन आज न्यूट्रिशियन मुझे वो डिग्री दे रखा है हर संडे को। आज जैसे संडे है ना, मैं अगर झारखंड में रहता तो सदर अस्पताल के अंदर में मैं एक चेकअप करता हूँ, वो ऑर्गेनिक मशीन से होती है, एक बायोमेट्रिक मशीन होता है कि आप मशीन पकड़ेंगे से एक करंट पास आउट होता है नर्व के माध्यम से, आपकी बॉडी के अंदर किस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीनिंग पे आ जाता है, मैं फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट कर देता हूँ, हर चीज का इलाज है। लेकिन बीमारी इतनी हो रही है कि कौन सा इलाज करे, एक करने के चक्कर में बीमारी हो जाती तो आज अगर मैं बात करूं हेल्थ पे, तो डिडीज और डेथ, डिडीज मींस बीमारी, डेथ मींस मरते हैं, चाहे आप बात करें डायबिटीज, बात करें कैंसर, बात करें हार्ट प्रॉब्लम, बात करें किडनी प्रॉब्लम। आज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, टोटल 62,996 लोग मर रहा है, ये WHO का आंकड़ा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। बॉर्डर पे चार लोग मरा तो आप जान गए, क्या ये बारे में आप जाने? बढ़िया बढ़िया शमशान घाट में कभी आग बंद नहीं होता है, लगातार लगा रहा है, कई तरह से होती है। आज ये क्यों हो रहा है, इसकी भी कारण है, हाउ पॉल्यूशन फैल रही है जी। स्मोकिंग, कोई डॉक्टर बोला सुट्टा मारिए? नहीं, खास करके यूपी में मैं देखा हूँ लोग इतने बीड़ी पीते हैं ना, बाप रे बाप, एक खत्म नहीं होता दूसरा। ये तो है, आपको आज तो मजा आ रहा है सर, मैं यूपी में ही, एक लड़का है नीरज, कौन सा जगह घर है उसका बाबू, नीरज का घर कहाँ है? गुमथल, गुमथल। मैं आया था, मेरे पास मशीन है चंदौसी ऑफिस में, मेरे पास मशीन है, अगर किसी का कोई बीमारी हो तो आप कभी आके जाँच करा सकते हैं। मैं ऐसे ही शाम में उसके घर पे गया, उसके पिताजी पूरा खांस रहा है, मैं बोला कि आप कितना बीड़ी पीते हैं, बोला दो मुट्ठा पी जाते हैं दिन भर, बोले एक में कितना होता है, बोला 40, दो बंडल, नहीं दो बंडल बोले, यानी कि वो दिन भर में 40 रुपया गायब। मैं बोला देखिए बंद तो आप नहीं कर सकते क्योंकि कोई चीज़ की लत लग जाती है जी। आप ऐसा कीजिए ना, अगर आप 20 वो पीते हैं तो 18 आप लेके जाइए, एक सप्ताह बाद 17 कीजिए, नहीं हो पाएगा। हम बोले तब आज अगर आपसे नहीं हो पाएगा फिर डॉक्टर आपको मना भी करेगा और फिर चीड़ फाड़ भी करेगा जी। अल्टीमेट मैं तो कंप्यूटर में ही देख लिया था उसका, यहाँ पे पूरा काला हो गया अंदर, और एक हफ्ता नहीं हुआ मुझे बिहार पहुँचने से, उसको यही चंदौसी में फिर भर्ती करना पड़ा, 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, डॉक्टर जब बोला कोई बीड़ी नहीं, कोई पूरा ठप लगा दिया है। मैं बोला था आप धीरे धीरे कम कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो आप जो डाल रहे हैं वो शरीर के लिए कितना अच्छा है। बैड फूड हैबिट, पिज्जा बर्गर, कोई मार्केट जाए अगर गुपचाप ना खाए तो उसका मार्केट जाना व्यर्थ हो जाता है। ये सब चीज तनाव भरी जिंदगी, मैं देखता हूँ ट्रेन पे कभी कभी मौका मिलता है जनरल में घुसने का, थोड़ा सा सीट नहीं मिला, बाप की ट्रेन है तुम्हारी लिए भैया, आधे घंटे की तो जर्नी है, काय को माथा फोड़ी करने का, तनाव में है, घर से निकला है जल्दी बाजी, सीट नहीं मिल रहा, इतना ही जल्दी तो तू साला एसी में बुक करा के रखता तुमको, तेरी सीट कोई बैठता नहीं। तो हम वो स्टैंडर्ड लेवल में सोच जाएंगे नहीं, तनाव में जिंदगी जी रहा है। इन सब का वजह एक और कारण है, पास्ट और प्रेजेंट में बहुत अंतर हो गया। पास्ट हरी भरी थी, प्रेजेंट प्लास्टिक टन गई, पास्ट स्वच्छ हवा था, प्रेजेंट प्रदूषित हवा हो गया, पास्ट गंगा स्वच्छ थी, पानी स्वच्छ थी, लोग शहर के गांव में तालाब होते थे उधर किनार में, वहां से पानी लाके पीते थे, धोते थे, नहाते थे। आज सारे गांव का, सारे शहर का नाला उसी तालाब में जा रहा है, कचड़े से भरे पड़े, और ये पानी को दूषित किया भाई, हमारे एटमॉस्फेयर पूरा गंदा कर दिया। इसीलिए आज मैक्सिमम शहर के अंदर देखेंगे अब वो फिल्टरेशन पानी चल रहा है, 20 लीटर का बक्को पहुंच रहा है हर घर घर घर, फिल्टर जब भी तो बीमारी बढ़ रही है, बिस्लरी। अब आज सोचने का बात है ये चीज से क्या हम बच सकेंगे, बढ़ती जा रही है फर्स्ट यूजेज प्लास्टिक, इतना हम लोग पूरे भारत में एक अभियान चलाया, फर्स्ट यूजेज प्लास्टिक, नो फर्स्ट यूजेज प्लास्टिक, नहीं पहला प्लास्टिक जो यूज करके फेंक देते हैं उसको मत यूज कीजिए, लेकिन कौन मानता है। मैं आज भी चलता हूँ ना तो एक झोला लेकर,
कहीं कोई चीज हुआ खट से, मैं ट्रेन में ही कोई चीज यूज किया उसको डाल दिया, बाद में कहीं निकला ऐसे जगह फेंका जहां पे उसका मना कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम एक बदल रहे हैं, ऐसा धीरे धीरे सबको बदलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं वही चीज। आप सोचिए ना, ऊपर वाले ने एक हाथी को और एक इंसान को बराबर जीवन दिया है, 120 साल। आज भी ट्रेन में आप टिकट कभी रिजर्वेशन काटिए तो देखिएगा लिखा था 5 years to 125 years, यानी 125 साल का कोटा दिया रहता है उसमें। जीते थे कि नहीं लोग, अब जाएगा कोई, क्यों नहीं जाएगा, इन सब के वजह से। और बात करते हैं, जब बीमारी होता है तो क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो ट्रू वे ऑफ ट्रीटमेंट, पहला एक को बोलते हैं ब्रेक डाउन ट्रीटमेंट, यानी बीमारी हो गया तो एक आदमी को हम बीमार तब तक नहीं मानते हैं। जैसे मैं देख रहा था एक बच्चा यहाँ कब से वो खांस रहा है, आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो बीमारी है जी। तभी तो खांस रहा है, हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है, कुछ तो है। तो हम पहले अपना डॉक्टर खुद ही होते हैं, ये देंगे इलाज करेंगे, ये देंगे जड़ी बूटी देंगे, नहीं होता है तो हम फिर कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। झोला छाप से फिर वहाँ भी शुरू करते हैं और जब वहाँ नहीं संभलता है झोला छाप भी हाथ जोड़ लेता है, तब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के पास, और वो भी जब हाथ उठा देता है तब हम दौड़ते हैं बेल्लोर तो पटना मुंबई, हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसमें प्राण रहता है। क्या यही चीज को लेके हम थोड़ा पहले अग्रेसिव होते तो ये नौबत आती, यानी कि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। अच्छा, बचपन में ठीक अग्रेसिव रहते हैं दो बूंद जिंदगी के लिए, बड़े होके हम गायब हो जाते हैं। तो एक होता है जो ब्रेव बीमारी, 80% बीमारी आपके शरीर में होता है तो आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर बॉडी के अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रखी है। 80% बीमारी का आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे 80% से ज्यादा होता है तब आप अनकंट्रोल हो जाती है आपकी बॉडी, और फिर आप बीमार बीमार बोलते हैं, फिर आपको लोग उठा के ले जाता है, टांग के ले जाता है, और उस समय आपको लगता है धन दौलत सब बेकार है, सब बेकार। तो इसलिए जरूरी है सर वेट हेल्थ रखना। आज आपको बेटर हेल्थ के लिए ये सब चीज जरूरी है, प्रोटीन मिनरल्स विटामिन आयरन ये सब चीज चाहिए जी। लेकिन हम और आप जो खा रहे हैं क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो पूर रहा है, वो गैप हो रहा है आपके शरीर में। आपका हाइट कितना है? मेरा 5 feet 5 inches राइट। आपका वजन कितना होना चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिंपल सा है। आपका हाइट 5 feet 5 inches है ना, तो 5 into 12 + 5 कर दीजिए, तो 12 × 5 = 60, 65 किलो आपका वेट होना चाहिए। कितना है आपका वेट अभी? तो ऐसे ही 52-53। आप अंडर वेट में, 4 किलो 5 किलो तक मैनेज हो सकता है, लेकिन आप अंडर वेट में चले। अब जितना किलो आपका वजन है इतना ग्राम डेली आपको प्रोटीन चाहिए शरीर में, और आप जो खाते हैं दाल खाए जो भी खाते हैं, आई चैलेंज यू, आप गारंटी देता हूं कि आपको 65 ग्राम प्रोटीन नहीं पूरता है शरीर में। तो क्या होगा, 120 का आधा हो गया ना, 60 साल में तो लोगों का टिकट कट रहा है ना। ये जब न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, और तो और एक मैं केमिकल फार्मिंग, भारत आजाद कब हुआ, आबादी तब कितनी थी, 40 करोड़। आज 2019 में आबादी 1 अरब 40 करोड़, लीगल इलीगल मिला के कितने आबादी बढ़े इस 72 साल में, 1 अरब, यस और नो? तो पहले अगर भारत का क्षेत्रफल ये था तो अभी क्या बहुत बड़ा हो गया, नेपाल सब अपने मांग गया नहीं ना, अभी भी वही है। लेकिन इसी भारत में 1 अरब लोगों का ठिकाना और खाना अभी तैयार करना पड़ रहा है। आज से 20 साल पहले इस जगह घर था, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं तो यस और नो? लेकिन आज अगर इसमें उपजाऊ होता था तो आज तो इसमें आदमी रह रहे हैं, जमीन घटाना और खाने वाला बड़ा। तो हम ना चाके भी एक से एक पेस्टिसाइड टेस्टिसाइड देंगे, जिसको हम केमिकल फार्मिंग बोलते हैं, और जब हम ये यूज करेंगे तो आपको क्या लगता है, सिर्फ वो फसल के अंदर गया, क्या वो कीड़ा को नाश रहा है? नहीं नहीं सर, आपको मालूम होगा पंजाब से एक गाड़ी खुलती है जिसका नाम ही है कैंसर मेल, जिसमें खाली कैंसर पेशेंट ही जाता है। क्यों? आज से कुछ साल पहले वहां पर यही एक पेस्टिसाइड यूज किया था, और वो कीड़ा आज भी दौड़ रहा है वहां पे, सिर्फ कैंसर पेशेंट ही होता है। और WHO का कहना है कि 2022-25 तक हर घर में आपको एक कैंसर मिलेगा, नहीं बच सकते आप अगर अभी से बदलाव नहीं करेंगे। तो केमिकल फार्मिंग यूज कर रहा है, और यही यूपी के अंदर में
एक आदमी 1000 लीटर दूध डेली सप्लाई कर रहा था, एक भी गाय नहीं पाला है, कैसे बना रहे दूध? केमिकल। आप खा रहे हैं क्या होगा? एप्पल कब बना, कहाँ से आया, अभी भी टिका हुआ है, कुछ ना खाया है वो। तरबूज लेने जाएंगे एकदम लाल ही चाहिए, टेंशन मत लीजिए, हम एको डाल देते हैं ना, लाल ही निकलेगा। ऐसे हर चीजों में ये एक अलग टॉक्सिन जा रहा है। तो अब हमारा शरीर बना कैसे है, आपको मालूम होगा, बायोलॉजी आप हैं, हमारे शरीर में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेन है। तो आप जो भी चीजें खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, आप क्या सब को क्वांटम फिजिक्स से जांच कर रहे हैं? नहीं। कितना सही मात्रा है, कितना टॉक्सिन है, जांच कर रहे हैं? आप खा लिए, तो जब आप खाए तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन चला गया, सेल को डैमेज किया, ये डैमेज करेगा आपके टिश्यू को। जब टिश्यू डैमेज हो गया तो ये किसको ले डूबेगा? आपकी ऑर्गेन को। जब ऑर्गेन खराब हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या दे रहा है यहाँ? अब एक बात बताइए, बीमारी कहाँ हुआ, दवा कहाँ लगा रहे हैं? ये ठीक नहीं होगा, गारंटी है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो किसी डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर का लेटर हेड होता है एक, मान लेता हूँ को बीमारी के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, ये दवा, उसके नीचे बोलिए डॉक्टर साहब आप तो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आप इसके नीचे सिर्फ ये लिख दीजिए कि मैं डॉक्टर पंकज कुमार ये गारंटी देता हूँ कि मैं जो दवा दिया इस पेशेंट को 100% ठीक हो जाएगा। उसको भी मालूम है कि दवा गया ऑर्गन में और प्रॉब्लम सेल से शुरू हुआ है। यहां तक तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कोई बीमारी हुआ है। और हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी को ठीक सर्विस पे ले जाएंगे टाइम पे जी। अपने आप को कभी लेके गए? तो अब अगर हमको फिट रहना है तो क्या करना होगा? फर्स्ट आप सफाई अपने सेल की कीजिए। अगर आपकी सेल साफ रहेगा तो डेफिनेटली टिश्यू ऑर्गेन ओके रहेगा। तो अब ये कर, तो ये सब संभव है कि आप अंदर झाड़ें? नहीं। तो इसके लिए आज सुपर फूड एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जिससे कि हम क्लीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि एक्टिव आवर सेल, जो डेली का डीएक्टिवेट होता है, करोड़ों कोशिकाएं हमारी बॉडी से डेड होता है, उनको एक्टिव करने में मदद, बैलेंस आवर डाइट, क्लीनिंग आवर सिस्टम एंड डिफेंस आवर बॉडी, बॉडी में वो सेना तैयार करता है कि बाहरी अटैक से बचाती है। इसको लेके नरिश ब्रांड का एक नूनी है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो हेल्थ से हैं। मैं हेल्थ से इसलिए बता दिया कि शायद ये हेल्थ में एडमिशन किया है तो एक क्लियरेशन हो जाएगा। नोनी एक ऐसे अद्भुत फल है जिसको मिरिंडा सेटोफोलिया के नाम से जाना जाता है। इसकी ज़्यादातर उत्पाद प्रशांत महासागर में पाया जाता है, समुद्रीय तट साइट पाया जाता है, और नोनी के अंदर 160 से ज़्यादा न्यूट्रासिटिकल पाया जाता है। नोनी के बारे में संशोधन आप गूगल खाली कर लीजिए, व्हाट इज नोनी, ऐसे ऐसे हजारों मैगजीन्स, हजारों किताबें आपको नोनी के ऊपर मिल जाएगा, और इसका संशोधन कोई आम आदमी नहीं, आप तो जानते होंगे इसको, कौन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति ले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने ही नोनी के बारे में रिसर्च किया है। नोनी में क्या क्या, आपको दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है? दिख रहा। हाँ, पहले नहीं दिख रहा था, धुंधला बोलना चाहिए था ना, है ना। तो नोनी के बारे में इन्होंने ही रिसर्च किया। हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है सुपर फूड, ये भी डायरेक्ट आप तक पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया दलाल नहीं। इसीलिए बहुत कम पैसे में आप नोनी गो अमेजोन साइट जानते हैं, अमेजोन जी, अमेजोन पे जाइए, देहाती नोनी बोल के सर्च मारिए, 22,000 रुपये लीटर है, डिस्काउंट करके 8,000 में दे रहा है। वही चीज़ हमारे यहाँ पर से प्रीमियम क्वालिटी का। आप अगर इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट हैं, जैसे आप कंट्रोल में तेल लेते हैं ना जी, अगर आपका आधार वो कार्ड होता है एक, अगर वो कार्ड है तो कम में मिलता है, कार्ड नहीं है तो मार्केट से आपको ज़्यादा पैसे मिलता है। यहाँ पर भी जब एसोसिएट हो जाते हैं, आप ID जनरेट होती है, तो आपको उसमें से 70% 30% माइनस करके आपको मिलता है। तो ये नोनी 3 वैरायटी में है, प्रोटीन, प्लेन प्रोटीन, जॉइंट अमला, नाम सुने हैं अमला, दुनिया का सबसे ज़्यादा विटामिन सी अगर किसी फल में है तो वो अमला के अंदर है। मैं यही मुरादाबाद में एक आदमी को 12 नंबर का चश्मा लग गया था, 12 नंबर, आप देखिएगा तो आपका आँख खराब हो जाएगा। मैंने उसको बोला तुम आँख कान मुन के 6 महीना लगातार अमला जूस पियो और अमला कैंडी खाओ, लास्ट टाइम मिला अभी तो बोले चश्मा, बोला अब उसका ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, डॉक्टर उसको बोला था कि 55,000 रुपये लगेगा लेंस लगाने। आमला कैंडी बहुत बढ़िया चीज़ है खाने के लिए, है ना,
आप हमारा ऑफिस आइएगा, अभी मंगाया हूँ बहुत सारा आमला कैंडी, एकदम प्योर सुपर प्लेन आमला कैंडी मैंने खाया, इतनी सॉलिड विटामिन सी, एलोवेरा नाम सुने होंगे, खट्टा ना होता, मीठा होता, मीठा होता है ठीक है। ऐसे ज्वाइंट केयर स्पाइरोलिना समुद्री शैवाल है, धरती पर सबसे ज्यादा जीवित रहता है, सबसे ज्यादा उम्र है कछुए का, और कछुआ खाता क्या है, स्पाइरोलिना, समुद्र के अंदर तो वही होता है। नासा में जो लोग जाता है क्या गैस सिलेंडर बांध के जाता है रास्ता में खाना बनाने के लिए, नहीं वो एक एक गोली लेके जाता है ऐसा पावरफुल कि जो आपके बॉडी का जितना मिनरल्स प्रोटीन विटामिन चाहिए आयरन सब मिलता है उसमें, ये चीज़ है। मल्टी विटामिन, डॉक्टर बोलता है पांच फल रोज खाइए, पांच कलर का कहाँ से खाएंगे, पैसा है उतना आपको, आप एक विटामिन खा लीजिए, मल्टी विटामिन है, ग्रीन कॉफी, मोरिंगो, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये कुछ कुछ हेल्थ को लेके काम कर रही है। ये है हमारा एग्रीकल्चर एग्रोबीरा और एग्रोलाइजर, इसका डिटेल आपको जानना है तो किसी भी पौधे में आप इसको यूज कर लीजिए, 7 दिन के बाद डिफरेंट नजर आ जाएगा। बस सर ये ओमेगा 3 जो है ये हेल्थ के बारे में, हाँ ओमेगा 3 क्या करती है, शरीर की ब्लड जो है उसको पतला करता है, आपका शरीर का ब्लड जितना पतला रहे उतना अच्छा, दूध भले आप मोटा खाइए चलेगा लेकिन शरीर का ब्लड, क्योंकि दिल पंप करता है जी, वो बहन के अंदर इतनी बाल से बड़ी पतली पतली नसें हैं, आपका अगर ब्लड गाढ़ा हो जाता है तभी तो आपको ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है या दिल दर्द करने लगता है, क्योंकि इसका काम है सिर्फ पंप करना जी। और आज तो हम लोग इसको और भी काम दे रखे हैं, किसी को किसी से प्यार मोहब्बत हो गया वो भी काम इसी को संभालना है जी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है हेल्थ को लेकर, तो आज ये सब चीज को लेकर काम कर रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ेंगे नहीं, जो चाहते हैं कि हम हेल्थ से इस प्रोजेक्ट में आ जाएं और अपने शरीर को समाज को स्वस्थ रखें जी। तो ये कोई भी पैकेज से जब आप इस प्रोजेक्ट में आते हैं तो एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं इनकम। अब अगर कोई हेल्थ से आए, एक बार में अगर कोई पैकेज लेना चाहता है इस प्रोजेक्ट में आने के लिए, एक पैकेज है 13,755 रुपये का, कितने का, 13,755 रुपए का इस पैकेज का। इसमें आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे टोटल 25 प्रोडक्ट, जितना चीजें मैंने दिखाया ना जी, अप्रोक्सीमेटली आपको करीब करीब उसमें मिलेगा एक बैग के साथ। लेकिन इसका एमआरपी की मैं बात करूं तो करीब 22,000 रुपए इसका एमआरपी होगा। आपको कम में क्यों मिला क्योंकि डायरेक्ट मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, वस्तु बना मैन्युफैक्चरिंग में जी, CNF में गया, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तब हमें कस्टमर जी, नाम भी रखा है कस्टमर। अगर मैन्युफैक्चरिंग को 2 रुपए चार्ज पड़ा ना, ये CNF को इसको 10 में छोड़ेगा, ये स्टॉकिस्ट 20, होलसेलर 30, रिटेलर 40, डिस्ट्रीब्यूटर 50, और हम कस्टमर कितने मिलेंगे, 60। लेकिन ये 60 में भी नहीं मिलता क्योंकि ये यहाँ से पहुँचाने के लिए यहाँ तक हम किसी स्टार या सुपर स्टार को पकड़ते हैं, भैया प्रचार कर दो 5 करोड़ मिलता हूँ, और फिर ये जो पैसे लेंगे ना वो हम इसी से वसूलेंगे क्योंकि इधर में कोई किसी के हाथ में कुछ कलवल है नहीं, कस्टमर ही देगा। आम पब्लिक के ही माथा पे सब नारियल फोड़ना है ना। तो ये 100 रुपए में वस्तु ये खरीदेगा। अगर इस बीच के इस हटा दिया जाए तो 2 रुपए का चीज खूब ज्यादा तो आप 10 रुपए में दीजिए, फिर भी हमारे पास 90 रुपया बचा कि नहीं जी। ये 90 रुपए कहाँ जा रहा था अभी तक इन लोगों को, और आपको मालूम होगा कि आज धोनी जो है जितना क्रिकेट टीम से नहीं कमाया उससे 50 गुना ज्यादा वो ऐड करके कमाया। किसका पैसा है सर, वो सब कस्टमर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यही चीज को बायकट किया और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आपको जोड़ दिया। तो ये बीच का पैसा किसको दिया जाएगा, इसी को, कैसा रहेगा। आज तक फ्री में हमने हजारों को सलाह दिया ना, 1 टका मिला कहीं, मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर वो सलाह देने का आपको पैसा मिल जाए तो कैसा रहेगा। आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्यूशन जा रहे हैं अभी, ट्यूशन नहीं जा रहे, मतलब आप घर में अभी काम कर रहे हैं। मान लेता हूँ कि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भैया आप ये टी शर्ट कहाँ लिए हैं, तो आप क्या बताएंगे, घर में बनाए हैं, जहाँ लिए हैं वही बताएंगे। अब मुझे अच्छा लगा मैं भी चला गया दुकान, है ना। जैसे हमसे बहुत लोग पूछते हैं भैया ये पॉइंट आपका ना बहुत अच्छा है, इस पर का एक सूट बहुत अच्छा है, कहाँ लिया, मैं बोला यार भेनू सेन का है, 19,000-20,000 लगेगा, तुम कहीं भी ले सकते हो। अब उसको अच्छा लगा वो गया भेनू सेन का, वो खरीद लिया, उनको शरीर पे अच्छा लग रहा है जी। जिनका दुकान से खरीदा उसको तो पैसा मिल गया, चला मैं जो मैसेज दिया हमको क्या मिला,
आज तक इस चीज का कभी पैसा मिला नहीं। और हम लोग ये बोल के फलना डॉक्टर अच्छा है वो शुरू किया था झोला छाप से वो बिल्डिंग पीट दिया, फलना टीचर अच्छा है शुरू किया था 10 स्टूडेंट से 50 स्टूडेंट पूरा दिया जी। हमें क्या मिला? कुछ मिला? अगर यही चीज का आपको पैसा दिया जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा? कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन दुनिया में मैंने पहले भी बताया कि हर आदमी का चार चीजें होता है, सपना कम से कम, अच्छा घर, बच्ची का अच्छा शादी, बच्चे का अच्छा करियर, और अगर बाइक से साइकिल से तो बाइक, बाइक से तो कार, कार से तो हवाई जहाज, ये सपना होता है। आप कुछ भी करें ना सर, अल्टीमेट आपका मोटो क्या है? अर्न मोर मनी, ज्यादा ज्यादा पैसे कमाए। तो जिंदगी में पैसा कमाना कितना इम्पोर्टेंट है ये बात तब आपको समझ में आएगा जब आप एक जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं। जैसे हम लोग जब मैट्रिक पास करते हैं ना तो हमारे आंख पे ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा रहता है, अरे पूरा दुनिया रंगीन ही दिखती है, कलरफुल चश्मा रहता है, धीरे 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 उसका कलर क्या होता है? बैठो अभी, हाँ करके आओ। तो जिंदगी में हर इंसान ए पार्ट से डी पार्ट तक जाता है, ए फॉर एक्टिवेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन या ड्रीम बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक यानी कि पैसे कमा के जो आप सपना पूरा करेंगे वो कितने रास्ते हैं पैसे कमाने का? आपके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप पढ़ लिख कर जॉब करेंगे या तो आप बिजनेस करेंगे। और कोई रास्ता है आपके पास? बताइए। एक आदमी बोला जी है, बोला कौन सा? बोला चोरी करना। बोले ये भी बिजनेस में ही आता है साला, जिस दिन तुम चोरी करने नहीं जाओ तो पैसे आएंगे, लेकिन ये इलीगल बिजनेस हुआ, जिस दिन धरा गया ना तो नाक नाखून सब नोच ले। तो सम्मानजनक सिर्फ दो रास्ता है। अब आप बताइए पंकज जी, सबसे ज्यादा पैसा किस में है, जॉब में या बिजनेस में? बिजनेस में। बिजनेस में ये आप बोल रहे हैं, 99.9% लोग यही बोलता है। अच्छा आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस करने के लिए, एक नौकरी करने के लिए? नौकरी करने के लिए। क्यों? यानी हम एकदम कसम खाते हैं पैसा वाला कभी नहीं बनना है, हम ही बोल रहे हैं पैसा किस में है? बिजनेस में। करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे बिजनेस? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और वो आपके पास नहीं है। बिजनेस के लिए जगह चाहिए, स्पेस बोलते हैं ना, आप बिजनेस कहाँ करेंगे? धान खेत में लगा देंगे? नहीं ना, स्पेस, मार्केट में कंपटीशन फेस करना होगा जी। आप दुकान खोले, बगल में और दुकान खोल दिया, वो पूरा एसी लगा दिया, भैया कस्टमर तो अच्छा चाहता है जी। आधा मार्केट तो शॉपिंग मॉल लपेट ले रहा है, सब मिल रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, सब मिल रहा है। उसके बाद भी रिटर्न ओवर कितना है, आरओआई कितना है, आरओआई कितना है, इन्वेस्टमेंट जो किए हैं उसमें रिटर्न कितना है? 5-10-20%। इसी में सारा हेडेक झेलना है, इसीलिए ये 85% लोग बोलता है भैया बिजनेस में बड़ी टेंशन है, चलो मस्ती से पढ़ाई लिखाई करते हैं और जॉबें ले लेते हैं। रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन दोस्त जिसने रिस्क नहीं लिया सबसे बड़ा रिस्क यही है। अब ऐसा बिजनेस, इसमें भी पैसा नहीं है, कितना किराना स्टोर को देखे आपने, नंबर वन हो गया। आज जो बिजनेस मैंने किया ये बिजनेस करके नहीं, तो नौकरी करके क्यों नहीं पैसा वाला बना? इस चीज को कभी सोचे हैं आप लोग? कभी गहन अध्ययन किए हैं? आज मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ, ये मैं नहीं, भारत के अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विनर सर तमरेते से नाम सुने, उन्होंने बताया कि जितने लोग देश में पैसे कमा रहे हैं ना वो एक सूत्र से पैसे कमाते हैं, उसको बोलते हैं आय बराबर समय गुना दर। पढ़े हैं इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट। मान लेता हूं आज कि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी आपकी 6,000 रुपये महीने की लग गई, ठीक है जी। 6,000 के लिए आप 30 दिन समय दे रहे हैं, डेली 8 घंटा, पर डे का रेट कितने हो गए? 200 रुपये। आज आप अकेले हैं, 6,000 में चल रहा है, कल आपकी शादी हो गई तो भी 6,000 में चलेगा? कितना चाहिए? 12। डबल चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ भैया चलो मैनेज कर लेंगे 9,000 में। तब क्या करेंगे? मालिक को बोलेंगे सर 6 में नहीं चलता, अब 9 कर दो, कर देंगे? मालिक बढ़ा देगा? नहीं बढ़ाएगा, तो सीधा बोलेगा बढ़िया मिस्टर समेट और यू कैन गो, ये भी खोलो, यस और नो। मैं मानता हूँ कि भाई 30 दिन काम करते थे तो 6,000, अब हम 45 दिन काम करते हैं, हाँ तो क्या अब 9,000 आएगा? है वो तो उतने देगा,
जी देगा वो तो भैया 45 दिन होता है। हाँ 45 दिन नहीं, ये तो लिमिट है जी, एक ऑप्शन है 8 घंटा करते थे फिर 12 करेंगे तो डेली का 300 आएगा। कल हम दो तो दुनिया जानती है, हमारे तो है ना, ये तो गॉड गिफ्टेड प्लान है। कल इनके तो बच्चे हो गए, अब 18,000 चाहिए तो 12 घंटे की जगह पे तो डेली का इनकम। कल माँ पिताजी बूढ़े हो गए, पैसा ज्यादा चाहिए कि नहीं, महंगाई बढ़ेगी ना घटेगी, बढ़ेगी। तो कल जब 36,000 चाहिए तो आपको 48 घंटे का, तो डेली का कितना आएगा आप बताओ सर, क्या 48 घंटा आप कर सकते हो? चौबीस घंटे इससे ज्यादा होता नहीं है। लेकिन इस सूत्र के अंदर में जो सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट है, ये तो मुझे ना रोंगटे खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति जो यहां पर पैसे कमा रहा है वो क्या बेच रहा है? समय। और ये समय किनके हाथों में? ऊपर वाले के हाथों में। कब किसका क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी है? नहीं। भगवान ना करे एक आदमी जॉब कर रहा था, बाय एक्सीडेंट ही इज डेथ, मर गए। जब ये डेथ हो गया तो इसका दर क्या हो गया? जीरो। जीरो से जीरो को गुना करेंगे तो आय क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत बड़ा जीरो। और आपको मालूम होगा गवर्नमेंट सेक्टर का भी जॉब में सन 2003 25 मार्च 2003 के बाद अनुकंपा पेंशन रिटायरमेंट खत्म। पहले जमाने में था मर गए तो भी नौकरी मिल जाएगा किसी को नौकरी, और या तो उसके पेंशन मिलेगा। अब ओनली वन गिव एंड टेक पॉलिसी, जब तक समय तो पैसा, समय नहीं तो पैसा। अब बताइए इनका परिवार का क्या सिक्योरिटी है? इनके दो बच्चे, माँ पिताजी, वाइफ, वो जो सपना बनाया था बेटा को होटल मैनेजमेंट कराएंगे, अब ये होटल मैनेजमेंट कर पाएगा? ये किसी होटल में जूठा प्लेट धोएगा अपना पेट पालने के लिए? नहीं बिलीव हो तो चले जाइए बहुत सारे होटल में, ऐसे नाबालिग बच्चे आपको काम करते नजर आएगा जो सिर्फ पेट पे काम कर रहे हैं। यस और नो? इस चीज को जब मैं आज से 11 साल पहले देखा था, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। ये मैं तो सही है आपको मैं सीधा बोलता हूं, ये एक लिखा कितना है? एक, एक जीरो लगाया कितना हो गया? और लगा दिया, और लगा दिया, और लगा दिया, मान लेता हूं आपका ये इनकम है, और लगा दिया ये इनकम है, और लगा दिया ये इनकम है, सबको रहने दूसर बस एक को गायब कर दूं, कितना हुआ? जीरो। यही है आपका रिस्क जी। लेकिन इसी इक्वेशन में सर तमरेते सेन ने कहा कि अगर आप 48 घंटा काम कर लो तो पैसे बढ़ सकता है ना, अगर आप 100 घंटे काम करो तो और होगा, 1000 करो तो और होगा। लेकिन क्या कर सकेंगे? नहीं। अकेला संभव है? नहीं। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं उद्योगपति जो कर रहा है, नाम जानते हैं आप? अरे आप जानते हैं, जियो का सिम चलाते हैं अंबानी, मुकेश अंबानी। अकेला है? ये सर उसका नेटवर्किंग है ना, समझिएगा बात को। जियो 250 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 50 करोड़ कस्टमर तैयार कर लिया, ये तो नेटवर्किंग सिस्टम है, समझ रहे हैं? अब मान लेता हूं कि जियो के अंदर 10,000 वर्कर काम कर रहा है 8-8 घंटा, तो जियो का मालिक का कितना घंटा काम हो गया? 10-8, 80,000 घंटा, समझिएगा बात को। एक नौकरी कर रहा है 8 घंटा, ये मर जाएगा तो इसका घर का इनकम बंद? जियो का मालिक मर जाएगा कल, पैसा बंद होगा? धीरू भाई अंबानी आज इस दुनिया में है, मालूम है आपको? धीरू भाई अंबानी मर चुका है, उसका बेटा है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उसका बेटा आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन आज भी उसका पैसा बंद नहीं। आज भी भारत का सबसे ज्यादा पैसा वाला, यानी पूरे भारत में जितना लोग है ना सबका एक महीना तक खर्चा वो एकदम 5-star होटल में उठा सकता, इतना पैसा उसके पास है। कैसे? अकेला काम करके। तो ये कर रहा है ना 80,000 घंटा। अब ऐसा काम करने के लिए आप भी 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, आपके पास है? है नहीं ना, लेकिन आज ये रास्ता आपको मुफ्त में मिलेगा, फ्री में। लेकिन क्या बात है ना, फ्री का चंदन थोड़ा चरचराने लगता है लोगों। तो पैसा आप नहीं लगा रहे हैं, पैसा सरकार लगा रही है।
आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डायरेक्ट हैदराबाद में 500 एकड़ में फैली, वहां पर तेलंगाना सरकार आधा पैसा लगा, आधा पैसा सीएमडी लगाया है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैनेज हो रहा है। आपका कोई भी वस्तु अच्छा चीज को हम क्या करते हैं समाज में, अच्छा बोलते हैं, खराब चीज को खराब बोलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो आपको पैसा मिलता है सिर्फ पेड फॉर रिकमेंडेशन, पेड फॉर रिकमेंडेशन, एक सलाह देते हैं इसी के लिए पैसा मिलता है। अब जैसे मैं जो चीज यूज किया हूँ मैं जानता हूँ उसके बारे में, अच्छा है कि बुरा है, क्या वो चीज के बारे में सलमान खान बता देगा? तो अब यहाँ से कैसे आप इस तरीके से हजारों घंटा लाखों घंटा काम कर सकते हैं और आफ्टर डेथ पेमेंट भी पा सकते हैं, इस चीज को एकदम सिंपल भाषा में समझिए। आप मान लेते हैं पढ़ने के लिए यहाँ आए, सपोज डेट, क्या नाम बोले आप अपना? रिंकू जी। रिंकू भाई आप पढ़ने के लिए आ गए एक नंबर में, इनको भी मन आ गया, ये भी आ गया दो नंबर में, कल पंकज का भी मन हो गया तीन नंबर में आ गया। हम लोग ये काम फ्री में करते हैं ना, पैसा लेते हैं, सलाह तो दे देते हैं ना। मैं आपसे 11 साल पहले इस प्रोजेक्ट में पढ़ने के लिए आया, मेरा साथ राज, डब्लू, रघुनंदन सब साथ ही पढ़ते थे, लंगोटिया यार थे, वो भी आ गया। हमने आज तक फ्री में हजारों को सलाह दिया, एक टका नहीं मिला। यहाँ पे संस्था बोलती है थैंक यू पंकज, आपके चलते समाज में एक आईटी लिटरेट का परसेंटेज बढ़ा, इसके लिए, इस एक सोशल वर्क के लिए आपको हम पहला 1600 रुपए का चेक देते हैं। कितने की? 1600। ये चेक आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहला घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, मेरे बात मान लेता हूँ, ये 3-4 स्टूडेंट हो गए, ये अब जीवन में कभी किसी को सलाह देगा कि नहीं देगा? क्यों क्यों देगा? इसे 1600 रुपए का चेक मिला, कोई जरूरी है कि चेक के लिए ही सलाह देगा? आप भले नहीं पढ़ेंगे, किसी को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इस दुनिया में एक मंदिर मस्जिद बनाने में जितना पुण्य है, एक अंधे को आंख देने में जितना पुण्य है, उतना पुण्य है एक निरक्षर को साक्षर करना, और वो भी आईटी फील्ड में। साक्षर तो अब सब है, सब मोबाइल ठीक 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 कर रहा है, लेकिन जरूरत वाला चीज कोई नहीं। हम उसको बता दिए, हम थोड़ी ना उसका कोई लूट लिए, पाप किए नहीं ना। इसके लिए फिर आपको 1600 का, बट अब आपको चेक नहीं, अब आपको एनईएफटी सिस्टम से पैसे मिलेगा डायरेक्ट, ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में, ये फिर 3 पर 1600, 3 बार आपको एनईएफटी हो जाएगा। जब आपका ग्रुप 9 का हो गया तब आपको 4700 रुपये का एनईएफटी, 18 का ग्रुप में 9400 रुपये का एनईएफटी। इस तरीके से वर्क आगे बढ़ता चला जाएगा, आपका पेमेंट स्ट्रक्चर भी बढ़ता चला जाएगा। मेरे मन में एक सवाल था, इसका मतलब क्या हम लोगों को जोड़ेंगे? क्योंकि आदमी नेगेटिव चीज़ों को बड़ा जल्दी अटैक करता है, ये जोड़ने वाला तो काम नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि भारत देश में पहले बांग्लादेश था और भी था, हम तोड़ने का काम ज़्यादा किए हैं। नहीं, पहले एक वैद्य जी होते थे, नारी देखकर पूरा इलाज करता था, अब एक डॉक्टर जी होते हैं, हड्डी का अलग, कान का अलग, आँख का अलग, नाक का अलग, गला का अलग, दांत का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, कुछ दिन बाद होगा लेफ्ट किडनी का अलग, राइट किडनी का अलग, सब लोग तोड़ा है। हम यहाँ क्या किए, आज आपको हम ये प्रोजेक्ट के बारे में बता दिए, हम आपको जोड़ दिए नहीं, हम आपको इन्फॉर्म किए, जुड़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आएंगे, नहीं लगा तो जाएंगे, हमारा क्या जाएगा जी? हम तो 11 साल से करते आ रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो भी हम कार पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे, आप करेंगे तो आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा जी। कोई भी व्यक्ति को बस हम एक विचार प्रकट करते हैं और हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं। आपको मैंने एक डायरेक्शन दिया और यही डायरेक्शन मैंने 65,000 लोगों को दिया और उन्होंने जिंदगी बना ली। आपको मेरी डायरेक्शन अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, मेरी क्या जाएगी? मेरी तो ऐसे भी जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तो मेरे खाना पचता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बोलना है। आप बैठे तो आपके सामने बोल रहा हूँ, नहीं तो भाई साहब को बोलता रहता जी। मेरा कहने का मतलब मेरा है ट्रांसफॉर्म करना। आप ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं करेंगे, क्या आपके मोबाइल में कितना नंबर होगा? आपके मोबाइल में कुछ नंबर तो हो, कितना नंबर होगा लोगों का नाम सेव? 20। इस 20 में सब लोग नहीं होगा एक जैसा, आपका हाथ में बराबर है नहीं। इस प्रोजेक्ट में सलाह देने के लिए भी कुछ क्वालिटी चाहिए। पहला क्वालिटी जो मैंने बताया कोर्स के लिए आएगा, 10th पास नहीं तो साइन जरूरी है जी।
दूसरा चीज, एज ऑफ 18 इयर्स, 18 साल से नीचे सरकार लीगल तौर पे पैसे नहीं देती है, हम यहाँ TDS काट के पैसे कमाते हैं। तीसरा चीज, वो लड़का ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड मतलब खुला दिमाग का, जो बातें समझ सकता हो। बहुत सारे लोग बंद दरवाजे वाले हैं, बोल रहे हैं आम समझ रहा है इमली, दिन में आंख बंद सर रात हो गया है। ऐसे लोगों के लिए जिंदगी रातें हैं। उसके बाद ड्रीम, एक सपना होना चाहिए हर आदमी के अंदर, ऐसे तो सपना है लेकिन कईयों का मरा हुआ सपना है। और ऑनेस्ट, ईमानदारी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर चोर चिटिंगबाज धुर्तबाज लुच्चे लफंगे लोग सफल नहीं होगा। आज क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है सर। मैं एक दिन आपको बता दूं, कल मैं चला जाऊं तो फिर आपको डाउट फील होगा जी। तो मैं आपके साथ वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से काम कमिटमेंट करता है। मैं आपको जितना बोलूंगा उससे 2% ज्यादा नहीं मिलेगी, तो आपकी जूता मेरा सर तैयार है। लेकिन ऑनेस्ट, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं आते, पढ़ाई तो आप कहीं भी जाके कर लेंगे। बोलेगा लोग 1500 का महीना हम पढ़ा देंगे, कहीं भी कर लेंगे। यहाँ पर आप एक और भी आचार विचार आचरण व्यवहार को देख के आते हैं, और कल आपके चलते अगर किसी को गलत कमिटमेंट हो गया ना, तो आप सिर्फ बर्बाद नहीं होते, पूरा सिस्टम खराब होता है, और कल बदनाम होती है सरकार, बदनाम होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। अब बात ये भी आ रहा है कि आपकी कपाड़ पे लिखा हुआ है, साइनबोर्ड है कि रिंकू भाई एकदम ईमानदार है, लेकिन बात विचार करके और समाज में जैसे आपको अगर ये जान रहा है 5-7 साल से, तो ये बता सकता है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होगा जी। यस और नो? तो ये क्वालिटी देखने के बाद, और सबसे बड़ा, बेगर फैमिली नहीं होना। बेगर दो तरीके से, भिखारी दो, एगो मेंटली एगो फाइनेंशियली। ज़्यादातर देश में मेंटली भिखारी है, बुरे चीज के लिए पैसा है, अच्छे चीज के लिए पैसा नहीं। बुरे चीज के लिए किसी से नहीं पूछेंगे, अच्छे चीज के लिए सबसे पूछेंगे, अपने बाप से पूछेंगे, पड़ोसी का बाप से पूछेंगे, ऐसे भी लोग। दोस्तों इतना कुछ देखने के बाद, मोबाइल में अगर 20 लोग है उसमें 10 लोग क्या आप नहीं जानते हैं? क्या 10 में से 2 लोगों को एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक एजुकेशन का जरूरत नहीं है? बस आप उसको सलाह दे दीजिए ना, समझाने का काम मेरा है, मेरी डिपार्टमेंट का है। आपको बस इतना करना है कि कुछ लोगों से हमें मिलवा देना है, और कुछ नहीं करना है। इन्होंने क्या किया, हमें मिलवा दिया आपसे, बस यही काम आप कर सकते हैं जी। हो गया काम खत्म, ये पैसा आपका ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ज्यादा नहीं, एक 6 महीने का ग्राफ देता हूँ। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे संचयी बारंबारता, जिसको हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं। मैं 6 महीने का एक ग्राफ मानता हूँ, मंथ, न्यू, टोटल और इनकम। 2 लोगों को एडवाइस करना है, कितना टाइम लगेगा बताइए पंकज जी? 2 लोगों को सलाह देना है, कितना टाइम लगेगा? वो आप ऑफिस के लिए सलाह दे सकते हैं, या फिर कोई दिन हम आएंगे, या हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आप ऐसे ही रात में बोलेंगे या वो आपको समझा देगा। ये सलाह देने में कितना टाइम लगेगा? कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, जब हम समझ जाएंगे, जब दूसरों को समझ सकते हैं। कितना लगेगा? आपको समझाना नहीं है, आपको सलाह देना है। सलाह देना तो सलाह देने में तो 5 मिनट 2 मिनट काफी है, बात कहनी है बस, काफी है। मैं नेगेटिव सोचता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब तक मैं ना समझ लूँ तो मैं किसी को ना दूँ। 1 महीना काफी है जानने पहचानने के लिए। 1 महीने में मंथ, न्यू, 2 लोगों को सलाह दिया, टोटल कितना हुआ? 2 ही। संचयी कैसे बढ़ता है? दूसरी महीना मान लेता हूँ ये 2 लोग मिलके अब 2-2 सलाह दिया, तो न्यू कितना हो गया? 4 और 2 टोटल कितने हो गए? 6। तीसरा महीना ये 4 × 2 = 8, 6 समझ में आ रहा है? चौथा महीना 8 लोग 2-2 को सलाह दिया सिर्फ, कितना हो गया? 16, 14, 30। पांचवा महीना 16 × 2 = 32, 30, 62। छठा महीना 32 × 64 = 62, 126। आप कितने को जान रहे थे? बट बाय सिस्टम कितने हो गए? 126। 9 पर आपको पैसे कितने मिल रहे थे? 4700। और 9 बराबर एक स्टेप होता है, 126 को 9 से भाग दीजिए, कितना स्टेप निकला? 14 × 9 = 26, 14 स्टेप। और एक स्टेप का पैसा कितना है? 4000, तो मल्टीप्लाई 4700, टोटल इनकम कितना हो गया? 65800।
लेकिन ये टोटल पैसा आपको एट ए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया ये कोई धन्नालाल सुखालाल प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो रॉन्ग फिगर आपका 5% टीडीएस कट गया और 5% आपका एमवी में चला जाता है, इसको मर्सेंटेज वाउचर बोलते हैं। जैसे इतना जितना प्रोडक्ट था ना, आप कोई भी चीज उस वाउचर से खरीद सकते हैं, मोबाइल में ओटीपी जाएगा, वो पैसा नहीं लगता उसके लिए, फिर वो आपको मिल जाएगा। तो 5-5 10% 5,800 कट गया, बचा कितना 60,000। कितना दिनों में ये इनकम किया मैं, 60,000 रुपये कितना दिनों में हुआ, 6 महीना में। क्लियर, अगर 6 महीना में 60,000 हुआ तो 1 महीना में कितना हुआ, अरे भैया 6 महीना में 60,000 तो 1 महीना में 10,000। इसके लिए आपने क्या किया, सिर्फ कुछ लोगों को सलाह दिया था, एक विचार प्रकट किया था। मैं जब आज से 11 साल पहले सुना था तो हमको लगा ना ये दिन में तारा दिखाने की कोशिश कर रहा है, 10,000 कमाना इतना आसान है तो सब लोग काहे नहीं कमा लेते। भैया सब लोग अगर एक ही जैसा हो जाए, सब कुत्ता काशिए चल जाए तो भोज का पत्ता कौन चाटेगा, सब नहीं जाएगा, सब के बस की बात नहीं। लेकिन हम बोले सर ये नहीं हो सकता, बोला आप ठीक है पंकज, जैसे आप बोले 5 मिनट, हम बोले थे 2 मिनट, बोला आप तुम 2 महीना मान लो, जो कम 6 महीने में हुआ था कितने महीने में होंगे, अगर 12 महीने में 60,000 तो भी महीने का, तो एक आदमी को पढ़ाई करते हुए घर में काम करते हुए 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाए तो पाप किया नहीं। लेकिन ये पैसा आया कैसे, ये साइंस जरूरी समझना है। आप नौकरी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, आय बराबर समय गुना दर 8 से 12 करते थे, पैसा बढ़ता था कि नहीं, हाँ जी 12 से 24 तो और बढ़ता था, बट क्या 48 कर सकते थे, नहीं। अब 6 महीने में अगर 48 करते तो बढ़ता कि नहीं, बढ़ता। 100 करते तो बढ़ता कि नहीं, धीरू भाई अम्बानी 10,000 घंटा कर रहा, 80,000 घंटा बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 6 महीने के बाद कितना है, 126। अब 126 लोग अगर एक एक घंटा काम किया तो आपके लिए डेली कितना हुआ, तो जब ये घंटा बढ़ाती है पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। मते पते की बात ये कि अगर नौकरी में एक आदमी का समय 0 हो जा रहा था तो दर 0, आय 0, भगवान ना करे यहाँ पे एक आदमी का समय 0 हो जाए, क्या इसके साथ 126 लोग 0 हो जाएंगे, नहीं। ये काम करेंगे ना जी। इसके घरों में पैसे जाएगा। आज मेरे बाद 65,000 लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के जाके बोलूं भैया आप काम मत करो, आप किसी को प्रेरित मत करो, सीधा बोलेगा आपके लिए कौन करता है, लेकिन मेरा 65,000 लोगों में से मैं सीधा जानता हूँ, सब लोग नहीं हो, 50,000 लोग करेंगे। अगर 2-2 घंटा काम करता है तो मेरा एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है, 1,00,000 घंटा। अब आप बताइए, एक आदमी 8 घंटा काम करता है, एक आदमी डेली का 1,00,000 घंटा काम करता है, अंदाजा लगाइए पैसा वाला कौन हो सकता है, कौन होगा, 8 घंटा वाला ना, 1,00,000 घंटा। और जो आज तक इतना पढ़ाई किया आप लोग, 12वीं कर लिए, आज तक कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया होगा, मैं आज आपको बताता हूँ क्यों नहीं लोग नौकरी करके पैसा वाला बना, असली सार क्या है। एक आदमी नौकरी करता है डेली बेसिस पे कितना घंटा काम करेगा, इन ए डे सिंगल डे में कितना घंटा काम किया, 8 घंटे। हम 10 पकड़ के चलते हैं, तो अगर एक दिन में 10 घंटा काम किया तो एक वीक में कितना घंटा काम किया, 70। संडे आप ड्यूटी पे जाते हैं, नहीं। एक माइनस हो गया ना, कितना किए, 10 छके 60। अगर एक वीक में 60 घंटा काम किए तो एक मंथ में कितना घंटा काम किए, मल्टीप्लाई 4 240। समझिएगा बात को, ऐसे भी होता अगर 8 घंटा करते 300 दिन जोड़ते तो 8 × 3 = 24 240। मैं 10 घंटा जोड़ रहा हूँ, 4 संडे ऑफ कर रहा हूँ तो भी 240। अब एक महीने में अगर 240 घंटा काम कर रहे हैं, एक साल में कितना कर रहे हैं, 2880 घंटा। समझ में आ रहा है, अब एक साल में 2880 घंटा काम किया है तो हम अगर 30 साल में नौकरी लिए तो और कितना दिन काम करेंगे, क्योंकि 60 में तो आपको रिटायर करेगा तो और कितना दिन काम किए, 30 साल में नौकरी लिए 60 में रिटायर होना, कितना दिन काम किए, 30 साल। अगर एक साल में 2880 घंटा तो 30 साल में गुना कर सकते हैं,
ये टोटल होता है 86,400 आवर, 86,400 घंटा काम किया। अब एक आदमी का एक महीने का सैलरी है 15,000, एक एग्जांपल लेता हूं, उसके लिए काम कितना कर रहा है वो 10 घंटे। एक महीने का सैलरी अगर 15,000 है तो एक दिन का सैलरी कितना हुआ, और 500 के लिए कितना घंटा काम कर रहे हैं, तो एक घंटे बराबर सैलरी कितना हुआ, तो 86,400 घंटा बराबर सैलरी, कैलकुलेट इक्वल टू 43,000, 20 लाख 43 लाख 20,000। पूरा होल लाइफ की बात बोल रहा हूँ, पूरी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिए। ये पैसे तब है जब 1% खर्चा नहीं हो रहा है तब। अगर 30,000 आपकी सैलरी है तो 86,000 होता है। इसी पैसे में घर गाड़ी बांग्लादेश विदेश पर शादी वादी श्राद्ध बारात सब है। क्या देश में 20% भी ऐसा लोग है जो 30,000 रुपया महीने का पैसे कमा रहे हैं? यहीं से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ हैं हम लोग। ये चीज को जब मैंने समझा था तो उसी दिन मैंने एक क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि क्यों ऐसा हुआ कि धीरू भाई अम्बानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, उसका बेटा भारत का पैसा वाला बन गया। हमारे दादाजी बैलगाड़ी लेकर खेत जाते थे, वहां से धान की प्याल उठा के लाते थे, मेरा बाप भी वही करते मर गया, और हम अगर चैनल चेंज ना करें तो हम भी वही करके मरेंगे, क्योंकि पगड़ी तो संभालना ही है। मैंने इस चीज को थॉट को बदला। आज एक आदमी पूरे अगर 35 साल नौकरी करता है तो जाकर 1,04,000 घंटा काम करेगा। 35 साल नौकरी करने के बाद मैं 2 घंटा भी काम ना करूँ ना तो भी मेरा कितना घंटा काम हो रहा है, 1,00,000 घंटा। ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पावर टाइम कंपाउंडिंग साइंस। ये लोग बीच में टपक जाए साला पैसा नहीं आएगा। मेरा एडमिशन मेरे पिताजी के नाम से हुआ था, मैं 15 साल का था तब। मेरे पिताजी का 2013 में देहांत हो गया, जीता जागता उदाहरण, पैसा आज आ रहा है। समझ में आ गया। नौकरी कोई भी काम, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, आपका छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, आप खेती हो सकता है, कुछ भी, आप घंटे के हिसाब से ही तो पैसे ले रहे हैं सर। तो ये भी तो घंटे के हिसाब से है। आपको क्या लगता है 6 महीने के बाद 126 पे जाके अटक जाएगा? अटकता तो ये 65,000 कैसे होता। और अब ये 65,000 लोग जब मिलके काम कर रहे हैं ना तो अब और ज़्यादा आगे बढ़ने में टाइम। जैसे एक खेत में पहले एक आदमी काम कर रहा था तो 10 दिन लग रहा था, अभी अब 10 आदमी मिल गया, 1 दिन में हो जाएगा, फिर 100 आदमी मिल जाएगा, साला आधा दिन भी नहीं लगेगा, काम निपटा के निकल जाएगा। अगर आप जिंदगी में चाहत के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप टीम वर्क बना के काम कीजिए, और अगर जरूरतों के हिसाब से जीते हैं तब आप कोई ना कोई नौकरी पकड़ ही लीजिए या कोई अपना काम करते रहिए। मुझे आज से 11 साल पहले जब ये बात नहीं समझाया गया, ये बात मैं अपने में एनालिसिस किया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आपको नहीं बता पाएगा। आप देख लो ना, गलती है तो बताओ हमको। मैं ये खुद एनालिसिस किया आखिर क्यों नहीं बनता है पैसा वाला, क्योंकि आपकी इनकम इसके लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस मैं बता रहा हूँ ना। अब लास्ट बात आ रही है कि करना क्या है। जी। दो ऑप्शन है, या तो आप इस प्रोजेक्ट में एडमिशन करते हैं या तो आप नहीं करते हैं। लाइफ को हम हमेशा डिसाइड करना पड़ता है, एक गुड यस एक गुड नो। अगर आप यस करते हैं तो 17,999 रुपये टोटल आपको क्या करेगा, पैसा आपको फीस लगेगा एडमिशन के लिए। जी। अगर आप नो करते हैं तो अगर ये पैसा नहीं है तो जरूरत ही नहीं है, और है भी तो बच जाएगा सेव, कोई खर्चा का जरूरत नहीं। अरे पढ़ने नहीं जाएंगे तो फीस काहे को, अब पढ़ेंगे तो फीस लगेगी। अगर आप यस किए तो ये लगेगी, नहीं किए तो। लेकिन एक गलती कभी मत कीजिएगा जिंदगी में, 50-50 में मत रहिएगा, करें कि ना करें, अच्छा तो यस नहीं तो नो। जी। ये लेडीज जेंट्स रहिए, बीच वाले हिजड़ी में मत रहिए। अब मैं डिसीजन में फंस गया चक्कर में, आज से 11 साल पहले जब मैं इस प्रोजेक्ट को सुना तो जो सर मुझे बता रहे थे, जो क्वालिफाइड बाय प्रोफेशन है, जो डॉक्टर निरंजन कुमार सिंह, उन्होंने बोला कि पंकज जी क्या डिसीजन लेना चाहिए आपको। मैं बोला सर मैं घर से पूछ के बताऊंगा। बोला जिंदगी में कभी आगे मत बढ़ पाइए, नहीं बढ़ पाइएगा। 15 साल का बच्चा को अगर ये बात बोल रहा, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, मुँह पे बोल दिया कभी नहीं बढ़ पाइएगा, तो थोड़ा देर बाद सोचे कि आखिर कोई पढ़ा लिखा आदमी बोला है, कुछ तो बात होगा। मैं
टाइम निकाल के थोड़ा सा सर से मिलने का परमिशन लिया और बोला, सर ये बात आप क्यों बोले? बोला सिंपल सा था, पिछले 1.5 घंटा 2 घंटा से कौन समझा इस प्रोजेक्ट को? आप समझे हैं ना? आप पूछने किससे जा रहे हैं जो इसके बारे में जीरो टा जीरो है जी। तो वो अगर आपको बोल भी दिया कि हाँ कर लो तो भी गलत है ना यार, और मना कर दिया तो भी गलत है। सीधा सा बात है, आपको पढ़नी है डॉक्टर, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती लेंगे ना, डॉक्टर कॉलेज में, डॉक्टरी में जी। लेकिन फिर भी गार्जियन से पूछना तो जरूरी है, यस और नो। लेकिन क्या आपका गार्जियन ये चाहता है कि आप नालायक निकम्मा रहे? नहीं, नहीं। लेकिन अगर गार्जियन ये बात को नहीं समझा है, ये बात गार्जियन समझा है, ये टाइम कंपाउंडिंग गार्जियन समझा है, ये टीम पावर गार्जियन समझा है, ये कोर्स कंटेंट यहाँ से क्या मिलेगा वो गार्जियन समझा है, तो भैया डिसीजन अगर आपका होगा तभी आप चेंज कर पाएंगे। नहीं तो आज तक आपकी मर्जी से क्या हुआ है? जन्म आपकी मर्जी से हुआ? नहीं तो आप रहिस घर में जाना चाहते? पढ़ाई आपकी मर्जी से हुआ? बड़े आप अपनी मर्जी से हुए? नहीं, प्राकृतिक। खाना आप अपनी मर्जी से नहीं खाते? आदमी मरता भी नहीं अपनी मर्जी से, यस और नो? क्या हुआ? शादी भी अपनी मर्जी से नहीं होता? सोचा कुछ हो गया कुछ आज, लेकिन लाइफ में एक डिसीजन आपको खुद की मर्जी से लेना होगा अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं। सम पीपल आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, कुछ लोग इतिहास रटते हैं जी। तो रटना आसान है, रचना थोड़ा टफ है। तो अगर आप रचने वाले में से हैं तो आपको डिसीजन यस लेना होगा। अगर आपने MS धोनी पिक्चर देखा होगा तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई करो, रेलवे में जाओ। क्या TT बना, RM में पहुंच गया? उसका बाप बोल रहा था नहीं तो तुमको कंटिन्यू रेलवे में ही नौकरी करना है। लेकिन उसका क्या एम था? अगर मैं ये नौकरी में फंस गया ना तो एक सीमित लाइफ में रह जाऊंगा, मेरा जो एम है वो पूरा। स्टेशन में बैठ के सोच रहा है क्या करें, तभी एक गाड़ी आया, सब चीज फेंका और वो ट्रेन पकड़ के निकल गया, कहाँ? क्रिकेट खेलने के लिए। अगर वो TT होता सिर्फ खड़गपुर स्टेशन में तो क्या मैं और आप आज उनके चर्चा कर रहे होते यहाँ पे? नहीं, नहीं। उन्होंने एक ठोस डिसीजन लिया, अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया। और आपको ये डिसीजन लेने का अधिकार हो गया है, अगर देश का सरकार चुनने का आपको अधिकार हो गया है, तो आप अपना जिंदगी क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, ये अधिकार आप। और माँ बाप पे आप कितना दिन तक छोड़ेंगे सर? बाप की हड्डी पे कबड्डी कितने? 3 तरह का कमाई होती है, बाप की कमाई, अपने आप की कमाई। जब तक आप अपने आप की कमाई पे डिपेंड नहीं होंगे ना, तब तक आपका लाइफ में कोई ग्रोथ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक डिसीजन अगर आप लेते हैं यस, तो ये पैसे आपको अरेंज करके फीस जमा करना होगा, बैंक से DD बनाना होगा जी। अब बहुत सारे लोगों को डर रहता है, पता नहीं भाग जाएगा ये। अरे भैया बैंक कहाँ जाएगा? आप पैसा यहाँ डबल ट्रिपल होने नहीं दे रहे हैं, आप पैसा पढ़ने के लिए फीस दे रहे हैं। कितना बस सुना जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भाग गई, तो BSc IT BCA BBA MSc ATM CA MBA गुहाल में थोड़ी होती है कि यूनिवर्सिटी में होती है। आपको क्लास, चलिए आपको दिखा देता हूँ कि कितने सालों से हमारा चंदौसी के अंदर क्लास चल रहा है, जहाँ पे आपको पढ़ाई मिलेगी 100% गारंटी। बीच में कोई दिक्कत हो पैसे रिफंड लीजिए, नो प्रॉब्लम। इतनी पॉलिसी सरकार, नियम और कानून बना रखे। आपने सर ये जो बताया, ये सर ये कोई ग्रुप है, ये क्या है? ये कोई ग्रुप नहीं है, सिंपल सा ये 2:1 एक रेशियो है। आपके समाज में और लोगों को कंप्यूटर साक्षर होता है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग आपको बढ़िया से समझा दिया कि अदर जगह पर क्या होता है, मार्केटिंग से मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचने में पैसा क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर ये आपको बच गया तो वही पैसे आपको बांट दिया जा रहा है। आप ही ने सलाह दिया ना उनको सर जी। और साधारण एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्या करना है? एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, एक कंप्यूटर चाहिए, टीचर चाहिए, लाइव रूम चाहिए, थ्योरी चाहिए, टाइम चाहिए। मान लेता हूँ 1 लाख खर्चा हुआ, राइट? तो रिंकू जी एक स्टूडेंट को पढ़ाने में 1 लाख खर्चा हुआ, तो 10 स्टूडेंट को पढ़ाने में कितना खर्चा होगा? आसान सवाल है, 10 लाख। लेकिन थोड़ी पेचीदा सवाल है। एक स्टूडेंट के लिए मुझे कंप्यूटर लगाना पड़ा, मास्टर रखना पड़ा, सब चीज़ करना पड़ा। क्या दूसरी स्टूडेंट के लिए भी मुझे कंप्यूटर, जगह, मास्टर सब करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, नहीं। वो कंप्यूटर पे नहीं पढ़ सकता क्या, एक बैच से दूसरा बैच में? समझिएगा बात को। प्राइवेट इंस्टीट्यूट हर व्यक्ति से पैसा ले रहा है, किसी को कोई फैसिलिटी दे रहा है? नहीं। हमारी संस्था एक इंस्टीट्यूट टाइप कर दिया, पैसे तो हर व्यक्ति दे रहा है, हमारे पास स्टूडेंट भी एक स्टूडेंट के माध्यम से ही आ रहा है। क्यों ना हम उनके करियर के बारे में भी सोचें जी।
यही चीज का तो आपको पैसा दे दिया। एक पेन बनाना है कितना खर्चा होगा, बनाने हैं, खरीदना नहीं है, बनाना है। कम से कम एक पेन बनाने में 5 लाख खर्चा होगा, जगह तैयार करेंगे, मशीन बैठाएंगे, इंजीनियर बुलाएंगे, मटेरियल लाएंगे, इंक लाएंगे। एक पेन बनाने में 5 लाख, तो 10 पेन बनाने में 1 लाख, वही 5 लाख में हो जाएगा, सिर्फ मटेरियल लगेगा सर। तो आज से 20 साल पहले IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 850 करोड़ रुपए दिया था इस प्रोजेक्ट को। किस लिए? इंडस्ट्री तैयार करने के लिए। 2006 में वो रिटर्न ले ली सरकार, न्यूट्रल है। जब आप एयरटेल का सिम नया नया आया था तो 999 का लगता था, किस लिए? लाइफ टाइम करने के लिए। आज आपको 500 टका हम 3 महीना फ्री कर देता है जी। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवेंट पॉइंट पार कर गया। अगर आप कॉमर्स पढ़े होंगे तो ब्रेक इवेंट पॉइंट होती है, तो वो पैसे जो बचती है ना वही आपको देती है सर, घर से कोई नहीं देता है जी। बस समझ में आ गया। जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, स्टार्ट भले 1500 से होता है, क्लोज 1.5 लाख वीकली तक होता है, 1.5 लाख हफ्ते तक होता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको 2-4 साल आज के समय में लगेगा। रातों रात ओवर नाइट कोई यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है सर। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, देन विल बी अर्न, तब आपका पैसे आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक डिसीजन है, यस। अगर आप कंप्यूटर कोर्स के लिए आना चाहते हैं तो ये लगेगा, उसके बदले किताब सिताब सब आपको मिलेगा। हेल्थ के लिए चाहते हैं तो 13,755 प्लस 720 लगेगा, तो उसमें हेल्थ प्रोडक्ट मिलेगा। कोई भी पैकेज लेके आ गए तो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है सर, उसकी सेलिंग करनी पड़ेगी ना? ना, वो आपको यूज के लिए है जी। आपके परिवार में सब लोग यूज कर लेगा जी। बस सेलिंग कुछ नहीं करना, ये सेलिंग नहीं है। अब जैसे आज से 11 साल पहले मैंने डिसीजन लिया, यस, मैं अकेला नहीं था इस प्रोजेक्ट को सुनने के लिए। मुझे जो सलाह दिया था आपको, तो चलो भाई आपके बगल वाले एडमिशन किया तो चलो रात में बैठ गए। मैं कॉलेज में कॉमर्स लेकर एडमिशन किया था, और मैं कॉलेज से ट्रेन पर से मैं वापस घर आ रहा था। एक अनजान आदमी मुझे ट्रेन पे मिला और उन्होंने ही मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मैं डर रहा था क्योंकि ट्रेन पे तब बोलते थे भैया बात मत करना किसी से, किडनैप कर लेगा, क्लिनिक खोल लेगा, तो इस तरीके का। तो मैं जब प्रोजेक्ट को सुनने जा रहा था तो गाँव से 2 लोगों को साथ लेके गया। अब जैसे आप लोग 4 दोस्त हैं, मान लेते हैं एक ही गांव से। कई बार क्या होता है कि जब हम एक ही जगह से रहते हैं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं जी। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता है। आज आप लाइफ में डिपेंडेंट हैं, कल मान लेते हैं रिंकू का नौकरी लग गया, आपका नहीं लगा, तो आप डिपेंड रहे, रिंकू डिपेंड रहेगा? नहीं नहीं, इसका भी लगेगा तब हम नौकरी पर जाएंगे नहीं। वो ब्याह किया तब हम डिपेंड रहेंगे कि उसका बच्चा होगा तब हम ब्याह करेंगे? नहीं, लाइफ में जब तक, क्योंकि आप आए हैं इंडिपेंडेंट, तब को करना भी कुछ इंडिपेंडेंट है। मेरा साथ जो दोस्त था वो लोग एडमिशन नहीं लिया, बोला भाई फालतू है, बाद में सोचेंगे, तुम कर लो। अब मैं एडमिशन कर लिया, वो लोग उल्टा मुझे बेवकूफ़ बनाने लगा, तू फंस गया, तेरी पैसे डूब गए, तुम्हें तो बुड़बक बना दिया, साला ट्रेन वाले के चक्कर में फंसा, जान ना पहचान बन गया मेहमान, पैसे दे आया। लेकिन कहता है कोई भी चीज़ का ना रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है सर जी। मैंने लिया, पढ़ाई करना शुरू किया, फिर मेरे साथ कुछ लोग पढ़ने आया। आज क्या क्या हुआ, जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया तो मैं कंप्यूटर पे कभी माउस लैपटॉप तो देखा नहीं था, यहाँ से मैंने वो टाइम दिया, तो मैंने कंप्यूटर एडुकेशन पूरा किया। आज मैंने जो कोर्स बताया आपको, वो कोर्स मैं किसी को पढ़ा भी सकता हूँ, नॉलेज है। थोड़ी सी और टाइम दिया, मेरा भी पहला चेक आया था 1500 का। तब जमाने में मोबाइल नहीं होता, हम लोग वो शहर में एक स्टडी बूथ होता था, पीला कलर का डब्बा, 1 रुपये डालो हलो हलो, वही वाला था। मैंने यहाँ से मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 1500 में। थोड़ा सा और टाइम दिया, आज मोबाइल फ़ोन कितने की हो गई पता नहीं, अस्कत मतलब लीजिए कि कौन सा मोबाइल मैं यूज ना किया हो आज सब, क्योंकि हम लोग के पास इतना एप्लीकेशन हो गया। एप्पल का मैंने सेट लिया, वो एप्पल लोड नहीं ले पा रहा है एप्लीकेशन से, तो फिर मैंने हाईटेक कोई 6 GB रैम, 128 GB मेमोरी, ये दो दो फ़ोन रखा हूँ। थोड़ा सा और टाइम दिया, जो पैसे मैंने एडमिशन किया था ना, वो कर्ज पे लेके एडमिशन किया था इस प्रोजेक्ट में, मैंने उसको यहीं से रिटर्न किया। उसके बाद थोड़ा सा और टाइम दिया, तो फिर मैंने एक TVS स्पोर्ट का बाइक ली, फिर मैंने एक लैपटॉप लिया। पहला लैपटॉप लिया मैं 42,000 रुपये में, 40-42 लगा था, एसर ब्रांड का। उसके बाद गाँव में घर नहीं था, मैंने यहीं से इनकम करके एक कार लिया, पहले सेवरोलेट कंपनी का टॉप मॉडल का, फिर गाँव में घर बनाया। अभी जो शहर में फ्लैट ली, बंगलो लिया हूँ, जिसकी कीमत पड़ी है 41 लाख रुपए इसी प्रोजेक्ट से।
मैं कभी अपना जिला भी घूमने नहीं गया था इस प्रोजेक्ट में आने से पहले। आज मैं बताया ना 40 बार से ज़्यादा मेरा नेशनल ट्रिप हो चुका है, मोर देन गोवा, फतेहपुर सीकरी, वृंदावन, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, उधर दीघा विघा, ये सब बहुत बार हो चुका है। ऑलरेडी 8 बार फॉरेन कंट्री हो चुका है और अभी 9 तारीख 2 दिसंबर को फुल फैमिली के साथ इस बार मलेशिया का ट्रिप, मैं विदेश फिर घूमने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ को छोड़ दीजिए, ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ एक सम्मान मिल रहा है, मैं आज इसको जानता था विपिन को, आज से पहले मैं विपिन को जानता था, ये कब ज्वाइन किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरा एक कर्तव्य होता है कि जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ। मुझे भी कोई रात दिन हेल्प किया है तो मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरा भी एक अपना विचार होता है भाई, चलो जहाँ तक होता है, क्योंकि नया नया में आपको बहुत गाइड करना पड़ता है, एक बॉर्न बेबी होता है, उनको समझाना बुझाना मेरा काम है। तो मैं 10,000 लोगों का भी सेमिनार लेता हूँ, 100 लोगों में भी बैठता हूँ, 5 लोगों में बैठता हूँ, अकेले में भी बैठता हूँ, क्योंकि आदमी को ना कभी अपनी अतीत और औकात नहीं भूलना चाहिए। मेरी अतीत क्या थी मैं जानता हूँ, मैं रोड पर बैठ के तारबूज बेचता था अपनी पढ़ाई के मेंटेन करने के लिए, सब्जी बेचा करता था, वहाँ से शुरू करके आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपये से ज़्यादा मेरे महीने की इनकम है, बोलता नहीं हूँ, TDS खोल के दिखा दूंगा आपको से। मैं साल का TDS जो भरता हूँ ना, ITR फिलअप होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट दिखाऊंगा आपको, फॉर्म 16AS दिखाऊंगा, जो आप देखना चाहेंगे, फॉर्म 26AS दिखाऊंगा। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा फॉर्म 26AS क्या होता है, ये सब ITR का विभाग का है, आज यहाँ से हो रहा है। उसके बावजूद भी मैं जब जैसा होता है तब वैसा होता है। अभी एक लड़का बोला था, सर आप बाइक से जा रहे हैं, बोले अरे मैं तो साइकिल से भी जा सकता हूँ, पानी कितना ऊपर से गिरे वो रंग नहीं बदलता अपना, मैं ज़रूरत पड़ता है कार से चलता हूँ, हवाई जहाज से चलता हूँ, साइकिल पैदल भी चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अतीत और औकात दोनों मालूम है। ये मैंने एक डिसीजन लिया था यस, तो मेरी में ज़िंदगी में ये सब बदलाव आया। इससे बड़ा बदलाव जो यहाँ पर हुआ है, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें मेरी वीडियोज़ है क्या, किस साइड में होगा, नहीं तो मैं अपनी DEFQ राइट, पंकज कुमार, पंकज कुमार, आई थिंक इसमें नहीं है राइट, एक मिनट आप मेरा लैपटॉप निकालो, क्योंकि बड़ा वाला है मेरे पास, बड़ा वाला कैरी करने में दिक्कत होता है, इसलिए तो मैं एक पर्सनल वर्क के लिए मिनी लैपटॉप रखा हूँ, सोनी बायो का, एक एप्पल का है, 97,000 रुपये, तो उसको हर जगह ट्रेवल नहीं करता, वो एक ऑफिस में लगा रहता है। देखिए संडे के दिन जो हमारा काउंसलिंग होता है, इस तरीके से लोग जाता है समझने के लिए, संडे के दिन में इस तरीके से लंबा लाइन लगता है जो लोग जाते हैं समझने के लिए, देख रहे हैं इस तरीके से। मैं बोला अभी यहाँ पे स्टार्टिंग था तो मैं आज 10 लोगों के बीच में, ये मेरा भागलपुर का है, और आप लोग लक्की हैं कभी आपको स्टार्टिंग में ये मिला है, जैसे ये देख लीजिए हार्ड डिस्क क्रैक्स कर दिया, यही है नकुल कुमार जो हमको सलाह दिया था, जो कि
पता नहीं मारा क्या नाम बोला पंकज कुमार लग रहा है घाम है नहीं लग रहा है बेसिकली ये हम ही हैं 2010 का वीडियो है बढ़िया ये तब का है जब दो साल हुआ एक अनजान आदमी है ना तो उस समय में मैं आया था इसके बाद देखिए और 2011 का सही से 18 साल भी पूरा नहीं हुआ था उस दिन मैं अपना कार लेके इस प्रोग्राम में गया अपनी कमाई का अगर मैं गलत करता सिंपल सा बात क्या मुझे 10,000 लोगों के बीच इस तरीके से स्टेज पे ले जाके लुटाता या पकड़ के कूटता सिंपल सा बात है क्वालिटी कंट्रोल का जमाना आप किसी को बुड़बक नहीं बना सकते हैं सर समझ मारे इसको आप पैसे में नहीं खरीद सकते पैसे अलग जगह है ये सम्मान इज्जत अलग जगह है मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ लेता ना ये इज्जत ये सम्मान नहीं मिलता मैं नौकरी करना शुरू करता मेरी पढ़ाई यहीं से पढ़ाई करके मेरी नौकरी भी लगी मैं उसको भी छोड़ दिया मुझे ये नहीं मिलता देखिए तभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है सर्टिफिकेट देख रहे हैं जो मैंने आपको उस समय स्कैन दिखाया हुआ ये तभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई देखिए देख के भी समझ सकते हैं और एडमिशन से 3 साल का बाद है इसको मान लीजिए और मुझे देख लीजिए जब मैं एडमिशन किया मेरे दोस्त बोलते थे भाग जाएगा वो आज भी यही उम्मीद लगा के रखा है कि कब भागेगा और हम इसको बोलेंगे एक सिंपल सा बात है आप वैल्यू फॉर मनी के लिए यहाँ आ रहे हैं आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है देश में 40 लाख लोग इस प्रोजेक्ट में हैं 42 लाख लोग हमारे आपके लिए बैठी नहीं है सिर्फ आगे देखिए ये पचाने मारे ये थोड़ा पचाने मारा होगा और देखिए मैं क्या बोला पैसा एक बेसिया भी कमा लेती है सम्मान नहीं कमा पाती देखिए ये पचाने मारे क्यों क्यों ये दिया जा रहा है क्योंकि मैं आज अपने साथ साथ ऐसे हजारों घरों में जिसके घरों में साइकिल नहीं था उसके घरों में कार खड़ा करवा दिया उनकी मेहनत उनकी लगन है मैं बस सपोर्ट करता हूँ करना आप ही को है अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था फिलहाल मई में शायद एबीएल सिम चलाऊंगा तब आवाज आएगी फोटो आप बस देख लीजिए ये पहचानने मारा है ये देखिए और ये देखिए ये मलेशिया अचीवर है ना जो मुझे अभी ये मई में प्रोग्राम हुआ था जो अभी घूमने जाऊंगा और इसी तरीके का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हमारा 21-22 को है आप लोग भी एडमिशन कीजिए तो ये प्रोग्राम अटेंड करने का आपको भी मौका मिल सकता है जहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों से आपको मौका मिलने का मौका मिलेगा और देखिए सब चीज़ एक संगति से ही संस्कार क्रिएट होती है ना मैं ये नहीं था जो आज मैं आपके सामने हूँ मैं दो लोगों के बीच बात नहीं कर सकता था बट आज
मैं लाखों लोगों के बीच बात कर सकता हूँ, क्यों? एक संस्कार मिला और एक संगति मिला। तो यहाँ पर पैसे से भी बड़ा बड़ा चीज है ना, देखिए। और अपने साथ साथ अपने माँ पिताजी को भी सम्मान दिला सकते हैं। कल आप जब एक लेवल में जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये अजीत कुमार है, अपने मम्मी अपने पापा को भी इतने लोगों के बीच में एक स्टेज पे अवार्ड दिया। देखिए ये फूल का माला तो किसी भगवान को चढ़ाता है, मैं ऐसा क्या किया रे भाई, मुझे चढ़ा रहा, क्योंकि मैंने किसी के साथ कोई बदसुलूकी बदनसीब लापान नहीं, मैं आपको बता दिया। अब आपका भाग अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा, आप करेंगे। अगर आपका नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा काम है आपको बता देना, समझा देना, हेल्प करना, यही कर सकते हैं बस। ये डिसीजन आज मैं बस एक प्रेरित कर देता हूँ, जो लोग मेरे साथ आते हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, जिसका नतीजा आज ये सामने आते हैं। जिंदगी में कभी हवाई जहाज पे चढ़ा नहीं था, और आज ये अभी लास्ट टाइम हांगकांग से जो बात बोला ना, ये हांगकांग से रिटर्निंग का टाइम का, देखिए मैं हूँ, मेरा जो दोस्त लोग आया वो सब लोग आज आ गए हैं, जो नहीं गया तो बाप का पगड़ी संभाल रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है। लैंग्वेज भी देख रहे हैं ना, हांगकांगिया लैंग्वेज। तो आज के दिन में मोर देन 20 टाइम से ज़्यादा, 20 बार से ज़्यादा मेरा नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट यात्रा हो चुका। तो ये सब चीज़ कैसे हो पाया? एक डिसीजन से। अब बताइए कि मैं जो डिसीजन लिया, सबको मना करने के बाद जो मैंने डिसीजन लिया, मेरा डिसीजन सही रहा ना गलत रहा? सही रहा। सिंपल सा गप है जी। अब आप जो आज डिसीजन लेंगे ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? आपके ऊपर। देखिए, ये पहली बार जब थाईलैंड गया था, ये मैं ही हूँ, तो कैसे चेंज हुआ जिंदगी? और ऐसा एक नहीं सर, लाखों लोग आज इस इंडस्ट्री में हैं जो अपने जिंदगी को बदल रहे हैं, और इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। आज इतने लोग हो गए कि एक जगह संभव नहीं है सबको बुला के प्रोग्राम कर पाना। ये प्रोग्राम रविंद्र सरोवर स्टेडियम में हुआ था, कपिल देव नाम सुने जी, 1983 का विश्व कप विजेता जी। ऐसे ऐसे लोग हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो अब ये सब चीज देखे आप, सुने आप, और पूछने के लिए उनसे जाइए जो इससे अवगत नहीं है, तो वो क्या बता सकेगा आपको, बताइए? वो तो अपने वही होगा ना। देखिए हमारे जो एक निरंजन सर हैं, कैसे यहाँ से वो फुल फैमिली को हो गया, तो मैं आपको दिखा सकूँगा। हाँ, जो मैं बात कर रहा था फैमिली सिक्योरिटी का, एक इंसान ऐसे ही टीम में काम कर रहा था, किसी कारण बस वो देहांत हो गया, उसके बाद उसके बच्चे हैं उनको पैसे दिया जा रहा है नेशनल। ये देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही हो सकता है।